ना उसको इलेवेंथ उच्च अच्छे से आता है ना उसे ट्वेल्थ अच्छे से आता है ठीक है तो मेरा यहाँ पे बेस और उसका काम रहेगा कि मैं थोड़ी चीजें उसको सिखाऊ कि भाई साहब ये चीज करोगे तो आपको ये मिलेगा ये चीज करोगे तो ये मिलेगा दैट सेट मेरे को सेट फॉर्मेट सिखाना है आपको कि भाई साहब ये अप्लाई करो आपका ये आंसर आ जाएगा ये अप्लाई करो आपका ये आंसर आ जाएगा परफेक्ट एंड दिस अप्लाई देखो जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑलरेडी है उसका रिवाइज हो जाएगा और जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है जिसको नहीं आता है अकाउंट भली वो बच्चा इलेवेंथ का हो भली वो बच्चा फाउंडेशन का हो उसको ये लेक्चर हेल्प करेगा हाउ टू फिगर आउट द थिंग्स इन फाइनल अकाउंट परफेक्ट यस सर ये सेम चीज है मैंने कहीं ना कहीं एनपीओ के चैप्टर में डिस्कस किया था बट इस चैप्टर में डेप्थ में जाएंगे उस चीज के परफेक्ट यस सर डेबिट मतलब दो चीजें होती है ऑलवेज डेबिट मतलब दो चीजें होती है बोलो क्या होती है सर एक तो एसिड होता है और दूसरा क्या होता है एक्सपेंस एक क्या होता है एसेट और दूसरा क्या होता है एक्सपेंस मैं टॉक अबाउट क्रेडिट क्रेडिट मतलब दो चीज होती है सर या तो लाइबिलिटी होगी या तो वो क्या होगी इनकम क्योंकि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ और है क्या नहीं अगर डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ और है नहीं तो डेबिट मतलब एसेट और एक्सपेंस रहेगा और क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी और इनकम रहेगी यहां तक सॉ सबको बेटा यस yes, सर आप एक फादर डायग्राम जो अपन नेक्स्ट पेज में कवर करने वाले हैं सर या तो आपके एक्सपेंस पेड हो चुके होंगे परफेक्ट या तो आपके एक्सपेंस पेबल होंगे या तो आपने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए परफेक्ट यस आपका एक्सपेंस के साथ होगा अब आई टॉक अबाउट इनकम या तो इनकम आपको रिसीव्ड है या तो इनकम आपको रिसीव्ड है या तो आपको इनकम रिसीवेबल है या तो आपको इनकम एडवांस में मिल चुकी है परफेक्ट ये छह कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं एक्सपेंस और इनकम के अब दो मिनट का स्क्रीनशॉट लो वी आर मूविंग फर्दर हर चीज में क्या क्या करना है मैं आपको बता दूंगा विथ राइटिंग कौन सी चीज कहां जाएगी ताकि आपको एडजस्टमेंट करते वक्त दिक्कत ना आए ठीक है राजा बिल्कुल सर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डन सर एक चीज बताइए अगर एक्सपेंस पेड है और ये एक्सपेंस करंट ईयर का है जो पेड है करंट ईयर का खर्चा अगर पेड है तो बट ऑब्वियस उसका पेमेंट हो चुका है तो वो कैश और बैंक अकाउंट में से क्या हो जाएगा माइनस यस yes, वो पेड हो चुका है कैश या बैंक में से क्या हो तो जाएगा माइनस और क्योंकि वो खर्चा है तो कहां पे आएगा या तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट

तो कैश और बैंक में प्लस हो जाती है यस yes. और दूसरा क्योंकि वह इनकम है या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगी या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखेगी ये तो बेटा सबको पता है जो दिक्कत आती है वो आती है पेबल और एडवांस में या रिसीवेबल और एडवांस में दिक्कत का पॉइंट क्या है वन टू थ्री एंड फोर ये है पॉइंट ऑफ डिस्कशन और ये है जहां पे बच्चे को दिक्कत जाती है याद है सबको सॉर्टेड है यस सर सर बिफोर स्टार्टिंग आप मुझे ये चीज बताइए कि ट्रायल बैलेंस का क्या हिसाब रहता है बेटा याद रखना ट्रायल बैलेंस में ईच आइटम हैज सिंगल इफेक्ट As single effect and items given in adjustment have minimum. एफ एक्ट है जो चीजें है ना उनकी ऑलरेडी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है उनकी ऑलरेडी लेजर पोस्टिंग टॉक अबाउट आइटम्स इन एडजस्टमेंट इनकी अभी तक जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है हम एक बात बताओ राजा क्या जर्नल एंट्री में डेबिटॉक्रेट रहता है ये yes, सर क्या जर्नल एंट्री में डेबिटॉक्रेट रहता है यस yes, सर तो इसलिए क्योंकि जर्नल एंट्री में एक डेबिट रहता है और एक क्रेडिट रहता है तो इसके मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं दो इफेक्ट मिनिमम कितने होते हैं दो इफेक्ट वापस बोल रहा हूं ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है उसका क्या इफेक्ट है सिंगल इफेक्ट बट जो एडजस्टमेंट गिवन है उसके क्या है मिनिमम दो इफेक्ट सर इसका एग्जाम्पल दीजिए इसका एग्जाम्पल देते हैं जैसा अज्यूम करो मैं एक ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं रेंट अब रेंट एक खर्चा है तो डेबिट साइड फिफ्टी थाउजेंड रेंट एक खर्चा है डेबिट साइड फिफ्टी थाउजेंड और नीचे एडजस्टमेंट रेंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज रुपीज फाइव थाउजेंड इज रुपीज फाइव थाउजेंड अब क्या यहां पे दो चीजें गिवन है यस सर अब जो चीज ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसका क्या होगा सिंगल इफेक्ट उसका क्या होगा सिंगल इफेक्ट अब सर रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है रेंट एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो रेंट का चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्योंकि खर्चा क्या होता है डेबिट खर्चा क्या होगा डेबिट तो सर यहां पे मैं लिख देता हूं रेंट यहां पे क्या लिखा जाएगा रेंट फिफ्टी थाउजेंड अब सर जो एडजस्टमेंट वाले रहते हैं ना उसके मिनिमम दो इफेक्ट रहते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट सर पहला इफेक्ट क्या है पहला इफेक्ट देखो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं पहला इफेक्ट एक्सपेंस में ऐड हो जाता है कोई भी आउटस्टैंडिंग रहेगा वो एक्सपेंस में ऐड होगा और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड सर एक्सपेंस में ऐड होगा मतलब खर्चा है डेबिट बैलेंस शीट का लाइबिलिटी ध्यान दे एवरीवन लाइबिलिटी मतलब क्या रहता है क्रेडिट तो यहां पे क्या आ गया क्रेडिट तो अब इफ यू ऑब्जर्व यहां पे ऐड हो जाएगा प्लस आउटस्टैंडिंग फाइव थाउजेंड तो टोटल रेंट का खर्चा कितना हो गया करंट ईयर का रेंट का खर्चा कितना हो गया पचपन हजार रुपए जिसमें से आप पचास हजार पे कर चुके हो एंड बाकी पांच हजार रुपए आपका आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या सबको समझ रहा है एडजस्टमेंट के मिनिमम दो इफेक्ट है बट जो ट्रायल बैलेंस से आ रहा है उसका क्या है सिंगल इफेक्ट उसका क्या है सिंगल इफेक्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस पहले इसका लो अब उसके बाद इसका ये उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल है मैंने इसमें कुछ समझाया नहीं है ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है बट आई टॉक अबाउट एडजस्टमेंट उसके मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं आई से मिनिमम तो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं बट दो से कभी कम नहीं होंगे यस टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वी स्टार्टेड चले बेटा यस सर सर अब हमको कौन से कौन से एडजस्टमेंट्स पता होने चाहिए बेटा सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा बाकी सब अपन बात की बातें बाद में करेंगे ठीक है अब ये शीट दो मिनट अपन बाद में लेंगे चलो सर डेबिट मतलब क्या होता है या तो एक्सपेंस या तो एसेट डेबिट मतलब क्या होता है या तो एक्सपेंस या तो एसेट और एसेट के लिए कोई दिक्कत है क्या नहीं सर वो तो एक ही जगह चले जाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड लेकिन सर जब मैं एक्सपेंस की बात करता हूं तो डेबिट मतलब एक्सपेंस भी होता है यस yes. ट्रायल बैलेंस में डेबिट मतलब एसेट भी होता है डेबिट मतलब एक्सपेंस एक्सपेंस भी होता है तो एक्सपेंस, या तो ट्रेडिंग में जाएगा, या तो वो कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर मुझे एक बात बताइए ऐसे कौन से कौन से खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं बेटा वो खर्चे जो गुड्स के से डायरेक्टली लिंक्ड हो जो गुड्स के परचेज से डायरेक्टली लिंक्ड हो ठीक है सर कौन से गुड्स बेटा बट ऑब्वियस ये वो गुड्स है जिनमें आप ट्रेड करते हो मतलब ये वो गुड्स है जो आप खरीदते हो और ये वो गुड्स है जो आप बेचते हो परफेक्ट सर इसके एग्जांपल दीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या क्या आ सकता है बेटा देखो मैं नाम लेते जा रहा हूं आप बताओ सर परचेज अकाउंट बट ऑब ये तो कहा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इसमें क्या ही बोलना परचेज तो परचेज से लिंक होगा ही यस परचेज अकाउंट उसके बाद मैंने माल खरीदा तो माल मैंने खरीदा दिल्ली से तो दिल्ली से लेकर नागपुर तक माल पहुंचाने का खर्चा क्या गुड से डायरेक्टली लिंक है क्या ये सर आपने खरीद लिया लेकिन माल आपके शहर तक तो आना चाहिए आपके गोडाउन तक तो आना चाहिए तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो किसका पार्ट हो जाएगा ट्रेडिंग ट्रांसपोर्ट का खर्चा कैन बी नोन एज फ्रेट और कैन बी नोन एज कैरेज इनवर्ड कैन बी नोन एज कैरेज इनवर्ड आगे सर सर इसके अलावा बेटा देखो मैंने माल खरीदा तो मैंने माल के लिए पेमेंट दिया तो वो परचेस अकाउंट हो गया फिर माल नागपुर आने तक दिल्ली से नागपुर आने तक का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी यहां पे आ गया सर अगर आपने दिल्ली से नागपुर दिल्ली से नागपुर मंगवाने के लिए कुछ पेमेंट किया है ठीक है जैसे कि ऑक्ट्रॉय जैसे कि क्लियरेंस चार्जेस तो वो भी किसका पार्ट हो जाता है मैन्युफैक्चर सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट का ऑक्ट्रॉय ऑब्लिक क्लियरेंस उसके अलावा बेटा आप देखो गुड्स मेरे गोडाउन तक तो पहुंच गए अब गोडाउन में मेरे को कुछ लोगों को बुलाना पड़ेगा ठीक है वो अपने कंधे पे सपोज बोरिया है कह की बोरिया है ग्रेन्स की बोरिया है तो मैं अपने उनको बोलूंगा गोडाउन में अंदर रख दो यार मैं खुद थोड़ी रखूंगा मैं ना किसी को करूंगा, किसी किसी को हायर करूंगा तो अब वो लेबर्स, रहेंगे। अब लेबर्स को मुझे क्या देना पड़ेगा? वेजिस। वेजिस भाई वो मेरा माल जो मेरा गुड्स है जो मेरा अनाज है वो ट्रक से अनलोड करके कहा लेके जाएंगे सर वो आपके गोडाउन के अंदर रखेंगे तो क्या मैं बोल सकता आपको वेजेस देना पड़ेगा यस सर तो वेजेस भी कहां आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सर उसके अलावा आपने गोडाउन पे एक बंदा बैठा के रखा है जो अकाउंटिंग करता रहता है जो अकाउंटिंग करता रहता है अब मेरे को बात बताओ क्या जो बंदा वहां बैठा है उसका क्या गुड्स से कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या नहीं सर आप गुड्स खरीदो या नहीं खरीदो क्या आपको उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा यस सर तो एक तरह का क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो कोई भी सैलरी क्या हो गई आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस कोई भी तरह की सैलरी आपके लिए क्या हो गई इनडायरेक्ट एक्सपेंस सर उसके अलावा आज सैलरी के अलावा आपने मार्केट से लोगों से पैसा लेके रखा है आपने बैंक से उधार लेके रखा है तो बैंक का लोन पे इंटरेस्ट वो भी किसका पार्ट है इनडायरेक्ट खर्चा क्योंकि क्या वो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न क्या वो गुड्स के परचेज से कंसर्न क्या नहीं सर इंटरेस्ट और लॉन्ग गुड्स के परचेज से डायरेक्टली लिंक नहीं करता है सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमको समझ में नहीं आ रही है या हो सकता है हमको ध्यान नहीं हो सर डिस्काउंट कहां जाएगा अब बहुत सारे बोलेंगे सर डिस्काउंट हम बचपन से कहां लिखते आए हैं डिस्काउंट गिवेन हम कहा लिखता हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बट ऐसा क्यों डिस्काउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखता है सर इसका वैलिड रीजन है इसका क्या है वैलिड रीजन है डिस्काउंट दो तरह के रहते हैं एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या है कैश डिस्काउंट क्या ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है क्या नहीं सर ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ही नहीं होती है तो क्या वो जर्नल एंट्री में आता है कि नहीं तो जर्नल एंट्री नहीं तो लेजर पोस्टिंग नहीं लेजर पोस्टिंग नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं ट्रायल बैलेंस नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं परफेक्ट क्या कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है यस सर बट कैश डिस्काउंट क्यों किया जाता है बेटा देखो मैंने किसी को माल बेचा अब मैंने उसको उधार में बेचा माल अब मैंने अगर उसको उधार में माल बेचा अब मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई मैंने उसको बोला था कि भाई साहब तू मुझे पैसा कितने महीनों में देना तीन महीनों में देना कितने महीनों में देना पैसा तीन महीने में बट एक महीने बाद मेरे को पैसे की जरूरत आ पड़ी मैंने उसको फोन किया मैं राजा सुनना मैंने तेरे को बोला था कि तीन महीने की उधार है बट अब क्या हो रहा है मेरे को पैसे का थोड़ा अर्जेंट नीड है एक महीने बाद फोन कर रहा हूं हाँ एक महीने बाद फोन कर रहा हूं कि यार देख अभी भी दो महीना बाकी है तू एक काम करना थोड़ा अर्ली पेमेंट कर देना अब वो भी होशियार आदमी बोलेगा देखो भाई साहब आपने कहा था तीन महीना तीन महीने से अभी तक कितना महीना बीता है एक ही महीना बीता है तो अभी भी कितना समय बाकी है दो महीने का समय अभी भी बाकी है तो मैं आपको दो महीना जल्दी पेमेंट कर रहा हूं मैं आपको क्या दे रहा हूं अर्ली पेमेंट मैं आपको क्या दे रहा हूं अर्ली पेमेंट तो अर्ली पेमेंट जब भी होता है सर मैं आपसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट एक्सपेक्ट करूंगा कहना है ये डिस्काउंट इज फॉर अर्ली पेमेंट इसका कोई वास्ता ही नहीं है गुड्स के परचेज होने से बिल्कुल सर ये डिस्काउंट इज फॉर अर्ली पेमेंट ये डिस्काउंट इज फॉर अर्ली पेमेंट तो कहना है से कोई भी तरह का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इज पार्ट ऑफ सर मार्केटिंग के खर्चे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल में बांटा ये सब किसका पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर ऑफिस के खर्चे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी स्टाफ की सैलरी उसके अलावा अकाउंटेंट का खर्चा ऑडिट का खर्चा ये सब किसका पार्ट बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाता है एम ए वेरी क्लियर कट ऑन दिस गाइस यस सबको ये क्लियर है यस yes, सर यहां तक तो, है। तो वो क्लियर है सब वह यहां तक क्लियर है सर एक बात बताइए यहां पे कैरेज इनवर्ड है तो सर कैरेज आउटवर्ड कहां जाता है बेटा कैरेज आउटवर्ड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरेज आउटवर्ड कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर ऐसा क्यों बेटा ये गुड्स परचेज खर्चे करने का खर्चा है ये गुड्स परचेज करने का खर्चा है बट आउटवर्ड गुड्स बेचने का खर्चा है अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या आएगा वो खर्चे जो गुड्स के परचेज करने से लिंक्ड हो ये तो गुड्स के सेलिंग करने से लिंक्ड है सेलिंग मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो किसका पार्ट हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट हो जाता है सर डेप्रिसिएशन बट ऑब्वियस डेप्रिसिएशन भी किसका पार्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इज एविडेंट क्लियर कट ऑन दिस टेंजेंट गाइस यस अब आपको यह समझ गया कि डेबिट में ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्या जाएगा तो अब राजा इतना तो क्लियर कट है जो ट्रायल बैलेंस में गिवेन है उसका सिंगल इफेक्ट है जो ट्रायल बैलेंस में गिवेन है उसका सिंगल इफेक्ट है अब जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड गिवेन है जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड गिवन है या तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा या तो वो एक्सपेंस के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा परफेक्ट विद दिस यस सर। अब ये चीज है जो पेड वाला आइटम रहते हैं ना ये आपको कहा दिखते हैं ट्रायल बैलेंस में ये आपको कहां दिखते हैं ट्रायल बैलेंस में बट ये जो पेबल और एडवांस है ये नॉर्मली आपको कहां दिखते हैं एडजस्टमेंट्स में कहा दिखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्योंकि यही तो है जो एडजस्टमेंट आपको सीख रहे हैं बेटा ट्रायल बैलेंस वाला तो सबको पता है सिंगल इफेक्ट हो चुका है बट जो एडजस्टमेंट है वही आपको क्या है सीखना है अब एक एक करके हम एडजस्टमेंट सीखते चलेंगे परफेक्ट यस सर पहला सर पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो मैं वो एडजस्टमेंट ले रहा हूं कॉमन एडजस्टमेंट जो आपको क्वेश्चंस में नॉर्मली मिलेंगे आज अपना है इन दिस वन शॉट जिनको आता है उनको समझ जाएगा रिकैप हो जाएगा क्या करना है बट जिनको फाइनल अकाउंट्स आज तक नहीं आता हो या उन्हें आज तक पढ़ा ना उनको एटलीस्ट एक और ही मिल जाए कब क्या करना है परफेक्ट यस yes. मैं थोड़ा सा कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा अभी जितना मैं कंसेप्ट देना चाहता हूं मैं दे रहा हूं और जहां मेरे को लगता है कंसेप्ट के बिना ही काम हो जाएगा मैं वहां इग्नोर करते हुए चल रहा हूं बेटा प्लीज डोंट माइंड इट फाइनल अकाउंट इज समथिंग जहां एक अकाउंट्स का दैट इज कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड दोनों बंदे देख रहे हैं और इट्स मोर ऑफ लाइक ये चैप्टर आता है उनको भी आना चाहिए परफेक्ट कंसेप्ट समझाऊंगा तो शायद उनको उतना क्लैरिटी ना आए चल सबसे पहले एडजस्टमेंट्स सबसे पहले क्या है एडजस्टमेंट पहला एंड द मोस्ट कॉमन इज डेप्रीसिएशन सर एडजस्टमेंट मतलब क्या होगा मिनिमम दो इफेक्ट मिनिमम दो इफेक्ट यस डेप्रीसिएशन डेप्रिसिएशन so, का क्या हिसाब है राजा डेप्रिसिएशन का दो हिसाब है डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट वो कहा चले जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चले जाता है एंड दूसरा दूसरा इफेक्ट इस वो बैलेंस शीट में एसेट में से क्या हो जाएगा माइनस एसेट में से क्या हो जाएगा माइनस सर एसेट में से माइनस होना क्या देखो बेटा आपने बोला मिनिमम दो इफेक्ट एसेट मतलब क्या रहता है ऑलवेज डेबिट ऑलवेज डेबिट और डेबिट को कम करना है या खत्म करना है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट यस तो अब क्या मैं बोल सकता हूं एसेट को हम माइनस कर रहे मतलब एसेट को हम कम कर रहे कम कर रहे मतलब क्रेडिट कर रहे तो एक डेबिट और एक क्रेडिट तो अब इस पे दिमाग मत लगाना सर आपने मिनिमम दो इफेक्ट बोला तो मैं आपको दो इफेक्ट दे रहा हूं पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड परफेक्ट विद दिस यस सर चलो एक एक करके स्क्रीनशॉट लेते जाओ बेटा दूसरा and the most important एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग इसका एग्जाम्पल लेंगे बेटा इसका ऑलरेडी एग्जाम्पल मैं ले भी चुका हूं बट स्टिल एक और बार लेंगे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग पहला इफेक्ट कॉस्ट इफेक्ट वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या हो जाएगा एड उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या हो जाएगा एड परफेक्ट विद दिस यस सर वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में क्या हो जाएगा एड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज क्या हो जाएगा एक्सपेंस में एड नेक्स्ट सर सेकेंड इफेक्ट क्या है बिल्कुल बेटा लिख देते कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है सर आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है पेबल तो सेकेंड इफेक्ट क्या होगा बैलेंस लिखा जाएगा Balance sheet के कौन से लिखा जाएगा? लाइबिलिटी साइड परफेक्ट विद यस सर अब इसका एग्जांपल लेते हैं ये बेटा स्क्रीनशॉट लो इसका चलो सर इसका एक एग्जांपल लेते हैं Example of Expense Outstanding Example of Expense Outstanding अभी आपका ट्रायल बैलेंस किन है ट्रायल बैलेंस में डेबिट मतलब या तो एसेट या तो खर्चा और क्रेडिट मतलब या तो लाइबिलिटी या तो इनकम मैं ऊपर से लिख देता हूं डेबिट मतलब या तो एक्सपेंस या तो एसेट एंड लाइब क्रेडिट मतलब या तो इनकम या तो लाइबिलिटी तो यहां पे मैं दे रहा हूं सैलरी यहां पे मैं दे रहा हूं सैलरी सिक्सटी थाउजेंड सैलरी कितनी है सिक्सटी थाउजेंड तो अब इफेक्ट क्या रहेगा सर नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च रुपीस सिक्स थाउजेंड इज आउटस्टैंडिंग इज आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट हो गया और यह ट्रायल बैलेंस हो गया सर जो ट्रायल बैलेंस में रहता है पहला उसका क्या करेंगे हम सिंगल इफेक्ट सैलरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस है तो मैं उसको कहा लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी कितना सैलरी दिख रहा है सिक्सटी थाउजेंड अब मैंने आपको क्या बताया क्या ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है यस सर क्या ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है यस सर क्या ये सैलरी पेएबल है यस सर तो इसका क्या होता है दो इफेक्ट सर पहला ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस में एड अब सैलरी कहा गई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मैं कहां पे ऐड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड ऐड आउटस्टैंडिंग कितनी आउटस्टैंडिंग है छ हजार रुपए कितनी आउटस्टैंडिंग है छह हजार रुपये तो यह और दूसरा बैलेंस शीट के दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड क्या लिखा जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सिक्स थाउजेंड रुपीज क्या दो इफेक्ट दिख गए यस सर एक्सपेंस में एड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड एम ए वेरी क्लियर कट ऑन दिस गाइस यस जल्दी लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट अब सर सैलरी आउटस्टैंडिंग देखो आपने हमको क्या क्या बताया है सैलरी या तो पेबल रहेगी तो पेबल का हमने हिसाब किताब कर दिया है एक्सपेंस पेबल रहेगा तो या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा यस एक्सपेंस में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लेकिन सर अगर हमने एडवांस में पे कर दिया उसका भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए बिल्कुल बेटा आगे आगे आते हैं अपन उसी चीज पे एक्सपेंस ये तीसरा आपका एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग थे अभी एक्सपेंस पेड इन एडवांस ऑल्सो नोनेस प्री पेड एक्सपेंसिस ऑल्सो नोनेस प्री पेड एक्सपेंसेस चल अब सर इसका इफेक्ट क्या रहेगा बेटा इसका इफेक्ट सिंपल है देखो अगर आउटस्टैंडिंग है अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप क्या करते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में एड कर दो और बैलेंस शीट के लाइफ डिसाइड बट अगर एडवांस है तो इसका उल्टा इसका उल्टा क्या सर पहला इफेक्ट आउटस्टैंडिंग में ऐड होता है और यहां पे क्या हो जाएगा लेस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा लेस एक्सपेंस में क्या हो जाएगा लेस एक्सपेंस में क्या हो जाएगा लेस ये हो गया इसका फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड यस यस सर सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए ना बिल्कुल देंगे बेटा ये आपका ट्रायल बैलेंस एग्जाम्पल यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस दिख रहा है पार्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट अब सर यहां पे दिख रहा है सैलरी यहां पे दिख रही है सैलरी लेट्स टेक इट एट्टी थाउजेंड लेट्स टेक इट एट्टी थाउजेंड रुपीस एट्टी भी नहीं लेते हैं सिक्सटी फाइव थाउजेंड लेते हैं कितनी ले लेते हैं सिक्सटी फाइव ठीक है अब नीचे एडजस्टमेंट किए सैलरी फॉर द मंथ ऑफ April. ये कौन से साल का है 2022 और मार्च 2022 ठीक है 31 मार्च को जो बनाया जाता है ठीक है 31 मार्च 2022 सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मतलब नेक्स्ट ईयर एप्रिल मतलब नेक्स्ट ईयर की सैलरी ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड सैलरी इंक्लूड्स अमाउंट पेड इसको थोड़ा मैंट कर देते हैं सैलरी इंक्लूड्स अमाउंट पेड रुपीज फाइव थाउजेंड एज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर एज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर याद आता हमको क्लियर है सैलरी में पांच हजार ऐसा अमाउंट है जो आपने एडवांस पे किया है नेक्स्ट ईयर का कहना है एडवांस में आपने एक्सपेंस पे किया है ऑल्सो प्रीपेड एक्सपेंसेस तो सर सबसे पहले जो चीज जो चीज ट्रायल बैलेंस में गिवेन है उसका पहले सिंगल इफेक्ट बिल्कुल राजा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पे सैलरी कितनी की मैंने ट्रायल बैलेंस में सिक्सटी फाइव थाउजेंड अब क्योंकि ये एडवांस में आपने इसमें से सिक्सटी फाइव थाउजेंड में से फाइव थाउजेंड आपने एडवांस में पे किया हुआ है 5, आपने एडवांस में पे किया है तो सैलरी कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस लेस एडवांस कितने एडवांस दिया है पांच हजार रुपए तो आपका फाइनल आंसर कितना बचा सिक्सटी थाउजेंड यहां पर और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी फाइव थाउजेंड सबको समझा बेटा क्लियर दिस टेंजन गाइस यस समझ रहा है बिल्कुल सर यहां तक तो समझा बट तो अगर यहां तक आपको समझा आप हाफ बैटल जीत चुके हो अभी वी आर डन विद एक्सपेंस बच्चे हैं इनकम और इनकम जहां हो गई वी आर वेरी सॉर्टेड इन लाइफ कि हमको कब क्या कौन सी चीज करनी है परफेक्ट विथ दिस यस सर चले सर आगे बिल्कुल सर टेक अ ऑफ दिस गाइज सर लेते हैं अभी हम फोर्थ अब सर एक्सपेंस निपट चुका पूरा एक्सपेंस निपट गया डेप्रिसिएशन निपट गया एक्सपेंस पेबल एक्सपेंस पेड इन एडवांस ये तीनों निपट गए अब यहां से आते हैं हम चौथा पॉइंट इनकम रिसीवेबल इनकम रिसीवेबल है तो सीधा सीधा हिसाब है पहला फर्स्ट इफेक्ट इनकम हमेशा क्रेडिट रहता है यस yes. तो पहला इफेक्ट या तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड या तो क्या करोगे इनकम में एड दोनों में से क्या करोगे इनकम में एड परफेक्ट यस और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे इनकम में एड चलो याद है क्लियर है सबको यस सर अब एक काम करते ना इनकम के रिसीवल के साथ इनकम एडवांस की भी लिख देते हैं क्या वो साथ हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं एग्जाम्पल दोनों का ही लूंगा अलग अलग वो भी फिफ्थ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सर अगर रिसीवेबल है तो हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम में ऐड किया बट आपको कोई कमाई एडवांस में मिल गई है तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम में से क्या कर दोगे लेस इनकम में से क्या कर दोगे लेस ये तो सॉलिड हो गया यहां तक और सेकेंड इफेक्ट सर बैलेंस शीट के एसेट साइड रहता है अगर रिसीवेबल है तो अगर आपको एडवांस में मिल गई है तो आपके लिए वो क्या हो जाती है लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आपको अभी नहीं समझेगा बेटा इसका चीज का इंपॉर्टेंस बट ये आपको अगर चीजें याद है कि कौन सी चीज कहां जा रही देखो कंसेप्ट पढ़ाना इज वेरी इजी बट आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा जब मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे जाऊंगा बिकॉज बहुत सारे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और अभी वो ये लेक्चर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं देख रहे अभी वो ये लेक्चर देख रहे हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड टू सॉल्व द क्वेश्चन तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू वो माइंड है परफेक्ट नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे सर कंसेप्ट नहीं पढ़ा है बेटा सी आई एम नॉट इन टू द कंसेप्ट मोड नाउ बिकॉज इट्स एग्जाम में आपके आज पच्चीस है 4 तारीख को पहले एग्जाम है ट्वेंटी डेज टू गो सर ट्वेंटी डेज इसलिए मेरा काम है आपको एक ओवरव्यू देना कि कब क्या कौन सी चीज करनी है बात खत्म चलो ये सबको वो क्लियर है यस सर सर इसके एग्जाम्पल दीजिए प्लीज बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल देंगे एग्जाम्पल ऑन इनकम रिसीवेबल चलो ये आपका ट्रायल बैलेंस है बट ऑब्वियस ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बाईस सेल्स टेन लाख इंटरेस्ट ऑन एफ डी इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फाइव थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फाइव थाउजेंड और सेल्स है टेन लाख एडजस्टमेंट पहला There is an unaccounted sales of rupees one lakh. Unaccounted sale of rupees one lakh to a person on credit. एंड रुपीस टू लाख इन कैश तो देर इज एन अन अकाउंटेड सेल ऑफ रुपीज वन लैख टू पर्सन ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट एंड रुपीज टू लैख इन कैश और दूसरा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज एक काम करते थे ऑफ रुपीज फाइव हंड्रेड इज आउटस्टैंडिंग ठीक है ये दो चीजें आपको गिवन है आप क्या क्या करेंगे सर सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है उसको हम क्या करते हैं सिंगल इफेक्ट तो सेल्स का जाता है सर सेल जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड कहां जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड तो यार सेल्स लिख दिया आपने टेन लाख ,00 रुपीज से लिख दिया टेन लाख ,00 रुपीज बिल्कुल सर सर इंटरेस्ट ऑन एफ क्या क्या आपकी कमाई है बट ये एक तरह की इनडायरेक्ट इनकम है तो ये यह चले जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहा चले जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन एफ परफेक्ट कितनी है पांच हजार याद है सबको सॉर्टेड है येस सर अब आते हैं एडजस्टमेंट की बारी सर लेट्स स्टार्ट विद एडजस्टमेंट पहला देर इज अन अकाउंटेड सेल ऑफ वन लाख एंड टू लाख। टोटल कितनी अन अकाउंटेड सेल है तीन लाख रुपए क्या मैं बोल सकता हूं ये तीन लाख रुपए की आपने अकाउंटिंग नहीं की है यस सर तो अकाउंटिंग करो अकाउंटिंग करेंगे तो सर इसका एडजस्टमेंट क्या रहेगा सेल्स में ऐड हो जाएगा प्लस अन अकाउंटेड कितना हो गया प्लस तीन लाख रुपए तो आपका टोटल सेल्स कितना हो गया तेरह लाख रुपए सर लाख रुपए में से एक लाख रुपए उधार की है उधार मतलब डेटर तो डेटर का जो भी बैलेंस होगा ऑलरेडी उसमें क्या हो जाएगा एक लाख रुपए प्लस उसमें क्या हो जाएगा एक लाख प्लस तो आपका डेटर का फाइनल फिगर आ जाएगा भारत अब आपका कैश क्योंकि दो लाख रुपए नगद में तो कैश का आपका जो भी फिगर होगा कैश का आपका जो भी फिगर होगा उसमें भी क्या ऐड हो जाएगा दो लाख रुपए तो टोटल मिला के कैश का फिगर भी बाहर आ जाएगा परफेक्ट विदेश यस सर सबको क्लियर है तीन लाख में से एक लाख उधार की है और दो लाख नगद की है तो उधार वाली डेटर में ऐड कर दिया नगद वाली कैश में ऐड कर दिया क्या है ट्रेडिंग अकाउंट में इनकम में एड और बैलेंस शीट के एसेट साइड अब एफ डी अभी भी पांच सौ रुपए की आउटस्टैंडिंग है तो सर प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एड इनकम में एड कर दो और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पांच सौ रुपए इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पांच सौ परफेक्ट विद दिस गाइस यस सर समझा बेटा बिल्कुल सर अच्छे से समझा एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस से देखना क्या मैं किया हूं बिकॉज इनकम कभी कभी पूछा जाता है लेकिन पूछा जाए तो आपको ट्रिक कर देता है वो तो इसलिए अच्छे से एक बार देखना क्योंकि इनकम से आता है कैश कभी कभी या इनकम आती है उधार के साथ यस सर यस सर परफेक्ट यस सर चलते हैं आगे ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अब नेक्सपार्ट क्या बचता है सर आप ही बताइए कुछ छुटुक पुटुक एडजस्टमेंट बचते हैं इधर उधर जो आपको पता होना चाहिए सर कौन सा एडजस्टमेंट पता होना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैड डेट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बैड डेट्स विथ प्रोविजन दिल थाम के बेटी बेटा बैड डेट्स विथ प्रोविजन आने वाला है इसके लिए ना मैं आपको एक डायग्राम दे देता हूं एक फ्लो चार्ट देता हूं ये फ्लो चार्ट दुनिया में आपकी जब इच्छा हो जहां इच्छा हो अप्लाई करना यह अप्लाई होगा यस yes, सर तो बैड डेट्स पे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि बच्चा गड़बड़ी क्या करता है बैड डेट्स में तो कोई दिक्कत नहीं है बैड डेट तो सबको पता है क्या करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एंड डेटर में से माइनस बट जब ये प्रोविजन के साथ आ जाता है बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है तो वैसे आपने दिमाग खराब कर रहा है क्या नहीं तो बैड डेट्स विथ एंड विदाउट प्रोविजन दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं तो इसका डायग्राम वे बैक मैंने बना के रखा है मेरे मोबाइल में ही है मोबाइल में क्या है कोई दिक्कत नहीं है टेढ़ा क्या क्या हाँ टेढ़ा दिख रहा है बहुत तो वैसे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपने टेढ़ी रिची लिखी है आप देखो मेरा काम है पढ़ाना और मेरे को वैसे भी आईपैड भी बहुत अच्छा जमता है लिखना बट यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा आला हो जाता है बैड्स विद प्रोविजन एंड विदाउट प्रोविजन बट आपको एक बात बताऊं स्क्रीन पे बहुत अच्छा समझता है कंपेयर टू आई आईपैड में एक जगह खड़ा रहता हूँ और मैं पढ़ाता रहता हूँ बट स्क्रीन में मैं मूव कर रहा हूँ और आपको पूरा आता है कि भाई साहब बोर्ड पे लिखा जा रहा है यस तो अब सीधा हिसाब है इसका मैं ऑलरेडी बना चुका था मैं आपके लिए वही लेके आऊ देख लो बेटा मेरा खुद के बनाया हुआ है आपको लग रही होंगी मजाक आप बोलोगे सर कैसे देखो ये मेरा खुद का बनाया हुआ है आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये फॉर श्योर ठीक है यस सर चलो सबसे पहले बैड डेट्स हुआ है यस सर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में क्या गिवेन है एडजस्टमेंट में गिवेन है बैड डेट्स एडजस्टमेंट में क्या गिवेन है ये तभी तो ट्रिकर होगा ना एडजस्टमेंट में क्या गिवेन है बैड डेट्स तो आपको सबसे पहले देखना है इज देर इज देर आ Provision for bad and doubtful debts or reserve ये दोनों के अलग अलग नाम है स्टेट बोर्ड लेता है रिजर्व और सीबीएसई लेता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर रिजर्व एंड doubtful डेट्स ये दो नाम चलते हैं क्या ऐसा कोई प्रोविजन है क्या और ये आपको कहाँ दिखता है ट्रायल बैलेंस में ये आप कहा बोल सकते हैं आपको कहा दिखेगा बैलेंस शीट में ऐसा कोई ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है क्या बैड डेट्स हुए हैं मैं मान रहा हूं बट क्या प्रोविजन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है क्या सर हमको प्रोविजन कहाँ दिखेगा ट्रायल बैलेंस में आपको प्रोविजन कहाँ दिख सकता है बैलेंस शीट में क्या ऑलरेडी अवेलेबल है क्या अब या तो आंसर होगा यस या तो आंसर होगा नो सर या तो प्रोविजन अवेलेबल है या तो प्रोविजन अवेलेबल नहीं है द आंसर इज यस और द आंसर इज नो ये आपका सेम चैप्टर पार्टनरशिप में भी यूज होने वाला है सेम डायग्राम। तो इफ द आंसर इज नो पहले हम चलते इफ द आंसर इज नो तो सीधा सीधा क्या कर दोगे जो भी बैड डेट्स है मतलब सर बैलेंस शीट में प्रोविजन है ही नहीं तो जितना बैड डेट्स है टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स टोटल अमाउंट ऑफ बैड डेट्स का क्या करेंगे सर पहला फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे क्योंकि बैड डेट्स हमेशा कहां आते हैं क्योंकि एक इनडायरेक्ट खर्चा है तो कहां पे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में से माइनस डेटर्स में से माइनस परफेक्ट विद दिस यस सर क्या सबको सॉर्टेड है बिल्कुल सर आप अगर प्रोविजन है और एडजस्टमेंट में गिवेन है बैड डेट्स प्रोविजन ऑलरेडी है आपके पास और एडजस्टमेंट गिवेन है बैड डेट्स तो यहां पे दो कॉम्बिनेशन बनते हैं प्रोविजन इज बैड डेट्स एक्सीडिंग प्रोविजन क्या बैड डेट्स का फिगर प्रोविजन से ज्यादा है क्या इस बैड डेट्स का फिगर प्रोविजन से ज्यादा इसका दो आंसर हो सकता है यस सर बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा है नहीं सर बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा नहीं है परफेक्ट यस सर तो इसका फर्स्ट इफेक्ट हिंदी लिखा मैंने यहां पे जितना ज्यादा है जितना ज्यादा है डेबिट टू प्रॉफिट सब कितना ज्यादा है मतलब किससे कंपेयर करेंगे चले काम करते हैं जितना ज्यादा है कंपेयर टू प्रोविजन और अमेंड कर देता हूं आपके लिए बैड डेट्स जितना ज्यादा है कंपेयर टू प्रोविजन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट याद रखना ये हमेशा कभी चेंज नहीं होगा सेकेंड इफेक्ट कोई भी केस हो टोटल बैड डेट्स डेटर में से क्या हो जाएंगे माइनस डेटर में से क्या हो जाएंगे माइनस परफेक्ट यस सर यह आपका हो गया जब आपका बैड डेट्स आपके प्रोविजन से ज्यादा है तो जितना बैड डेट ज्यादा है वो कहा चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और टोटल ऑफ बैड डेट्स कहां से माइनस हो जाएगा डेटर में सेकेंड एज की नहीं सर आपका प्रोविजन ज्यादा है बैड डेट्स कम है प्रोविजन ज्यादा है बैड डेट्स कम है तो कुछ नहीं करना है फर्स्ट इफेक्ट बैड डेट्स रिड्यूस फ्रॉम प्रोविजन बैड डेट्स रिड्यूज फ्रॉम प्रोविजन एंड सेकेंड इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट ऑब्जर्व करोगे हर केस में प्रोविजन है नहीं है प्रोविजन कम है ज्यादा है इन एवरी डैम केस टोटल बैड डेट्स डेटर में से माइनस टोटल बैड डेट्स डेटर में से माइनस यस दिस इज योर डायग्राम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर द होल चैप्टर बैड डेट्स विथ एंड विदाउट प्रोविजन इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन जस्ट दो मिनट में टेक अ स्क्रीन ऑफ दिस गाइस यस ठीक है यस सर इसका एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल सर लेंगे एग्जाम्पल चलो ये आपका ट्रायल बैलेंस है एग्जाम्पल बैड डेट्स विथ एंड विदउट प्रोविजन चलिए सर अब आपके पास ट्रायल बैलेंस ये मैंने बिल्कुल hmm. ट्रायल बैलेंस में गिवन है डेटर्स दो लाख रुपए कितने डेटर्स लेट्स टेक एक लाख सर डेबिट और क्रेडिट लिखना भूल गया बिल्कुल बेटा मैं भूल गया डेबिट और क्रेडिट पहला डेटर्स डेटर्स कितने हैं एक लाख रुपए अब अब मैं बोल रहा हूं प्रोविजन है आपके पास प्रोविजन है दस हजार रुपए का दस हजार नहीं लेते राउंड फिगर गलत हो जाएगा प्रोविजन है नौ हजार का प्रोविजन कितने का है नौ हजार डेटर एक लाख का प्रोविजन है नौ हजार का अब एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट आपको गिवन है बैड डेट्स अमाउंटेड टू रुपीस Case 1, case 2, case 3, case 4. Case 1. Bad debts amounted to 5000. Bad debts amounted to 5000. Perfect. Case number 2. Bad debts amounted to 9000. Case number 3. Bad debts amount to टीन थाउजेंड केस नंबर फोर बैड डेट्स अमाउंटेड टू फाइव थाउजेंड अज्यूमिंग नो प्रोविजन चौथा केस मैं इसलिए ले रहा हूं चौथा केस बोल रहा है कि प्रोविजन बैलेंस शीट में नहीं है अज्यूमिंग नो प्रोविजन एग्जिस्ट मतलब जो नौ हजार दिख रहा है वो नौ हजार नहीं है एक केस तो वो भी लेना पड़ेगा ना बेटा बिल्कुल राजा बिल्कुल चलिए सर पहले केस नंबर वन करते हैं केस वन सर क्या एडजस्टमेंट बैडडेट गिवेन है यस। कितना गिवेन है फाइव थाउजेंड रुपीज क्या और प्रोविजन कितना गिवन है नाइन थाउजेंड डायग्राम पर आते हैं क्या डेट्स हुए हैं यस। कितने हुए फाइव थाउजेंड क्या प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुल डेट्स है क्या ये yes, सर बिल्कुल है बिल्कुल है इफ बैड डेट्स एक्सीडिंग प्रोविजन सर बैड डेट्स है पांच हजार प्रोविजन है नौ हजार तो सर बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा तो नहीं है जब बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा नहीं है तो हम क्या करते हैं बैड डेट्स रिड्यूस फ्रॉम प्रोविजन तो अब आपका प्रोविजन का बैलेंस हो जाएगा नाइन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड नाइन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड दैट इज रुपीज फोर थाउजेंड एंड टोटल बैड डेट्स कहां से माइनस हो गए डेटर्स से तो डेटर्स का बैलेंस कितना हो जाएगा डेटर्स so का बैलेंस था एक लाख एक लाख में से पांच हजार क्या हो जाएंगे माइनस एक लाख में से पांच हजार क्या हो जाएंगे माइनस तो आपका डेटर्स का नया बैलेंस कितना आया रुपीज नाइनटी फाइव थाउजेंड बेटा ध्यान दो अभी अपन ने चालू किया है फिर इसके बाद अपने को सीखना है न्यू प्रोविजन ऑल्सो नाइंटी फाइव थाउजेंड परफेक्ट विद सर केस नंबर टू केस टू सर क्या बैड डेट्स हुए हैं येस सर बैड डेट्स तो हुए हैं तो क्या प्रोविजन है क्या ये सर प्रोविजन भी है तो अब मुझे एक बात बताओ बैड डेट्स एक्सीडिंग प्रोविजन नहीं सर बैड डेट्स प्रोविजन जितना है प्रोविजन से ज्यादा नहीं है तो ऐसे केस में जितना बैड डेट्स है हम क्या कर देते हैं प्रोविजन में से माइनस ये सेकंड केस है आपका तो प्रोविजन का बैलेंस कितना हो गया सर नौ हजार था ओरिजिनल उसमें से 9000 के बैड डेट्स माइनस हो गए तो अब प्रोविजन का बैलेंस हो गया है जीरो एंड डेटर का क्या हिसाब किताब है सर डेटर का बैलेंस हो जाएगा पहले था एक लाख और टोटल बैड डेट्स कितने नौ हजार तो बैड डेट्स के बाद डेटर्स का बैलेंस कितना हो गया है नाइन्टी वन थाउजेंड कितना हो गया नाइन्टी वन थाउजेंड थर्ड केस नंबर सर क्या बैड डेट्स हुए हैं बिल्कुल सर चौदह हजार के बैड डेट्स हुए हैं क्या बैड डेट्स अच्छा सर प्रोविजन है क्या बिल्कुल debts... अच्छा, राजा प्रोविजन भी है क्या बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा है क्या ये सर बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा है कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है सर जितना ज्यादा है वो कहां चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चौदह हजार और नौ कितना ज्यादा है पांच हजार तो पांच हजार का क्या होगा फाइव थाउजेंड कहां चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सर प्रोविजन का क्या होगा बेटा देखो जो आपका प्रोविजन है प्रोविजन बैलेंस विल बी जीरो क्योंकि चौदह हजार में से नौ हजार प्रोविजन से चला गया और बाकी का पांच हजार कहा चले गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड डेटर्स का बैलेंस कितना हो जाएगा डेटर्स का बैलेंस हो जाएगा एक लाख ,00 में से चौदह हजार माइनस करिए टोटल बैड डेट्स माइनस करने हमेशा अब ऑब्जर्व करोगे हमेशा टोटल बैड डेट्स ही माइनस हुए हैं ये हो गया आपका एम वेरी एट्टी क्लियर गाइस यस तो इसमें फर्स्ट इफेक्ट जितना ज्यादा है कंपेयर टू प्रोविजन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड याद रखना यहां पे इन दिस केस यस में प्रोविजन बैलेंस विल बी जीरो प्रोविजन बैलेंस विल बी जीरो मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि जितना ज्यादा था उतना कहां से कहां चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड और 9000 पूरा का पूरा प्रोविजन से क्या हो गया माइनस 9000 से जितना ज्यादा था कहां चले गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एम ए वेरी क्लियर कट ऑन दिस यस सर सर केस नंबर फोर बेटा केस नंबर फोर इज वेरी सिंपल केस नंबर फोर इज वेरी सिंपल सर केस नंबर फोर क्या बोल रहा है कि प्रोविजन है ही नहीं सबको दिख रहा है प्रोविजन है ही नहीं तो अब क्या करोगे सर सीधा इधर हिसाब है ये पांच हजार को बैड डेट्स के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे एंड डेटर्स कितने हो जाएंगे सर हमेशा अगर आप ऑब्जर्व करोगे एक्चुअल बैड डेट्स कहा से माइनस हो जाते हैं डेटर में से तो आपका डेटर का न्यू बैलेंस कितना हो जाएगा 95000 डेटर्स का न्यू बैलेंस कितना हो जाएगा 95000 सबसे तो सिंपल केस यही है जब प्रोविजन नहीं है तो जितना बैड डेट्स है प्रॉफिट एंड लॉस है उनके डेबिट और डेटर में से माइनस इज एवरीवन क्लियर टिल हियर इज देयर एवरीवन क्लियर टिल हियर यस सर पक्का यस सर अब ट्विस्ट इन द टेल सर वो क्या है थोड़ा वो तो बताओ बेटा ट्विस्ट इन द टेल इज एडजस्टमेंट में एक और चीज गिवन है जो चीज मैंने आपको बता ही नहीं इसी क्वेश्चन में लेट्स टेक फॉर द ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर वन अब एडजस्टमेंट नंबर टू क्रिएट क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट टेन परसेंट एट द रेट टेन परसेंट अब एडजस्टमेंट में एक और चीज गिवन है कि आपको क्या करना है प्रोविजन बनाना है एट द रेट टेन परसेंट क्या बनाना है एट द रेट टेन परसेंट अब हम लेते जाते हैं केस नंबर वन केस नंबर टू केस नंबर थ्री केस नंबर फोर ठीक है अब याद रखना प्रोविजन प्रोविजन ऑलवेज मेड फॉर गुड डेटर्स ऑलवेज मेड फॉर गुड डेटर्स तो अब केस नंबर वन में केस नंबर वन में गुड डेटर्स कितने बचे सर गुड डेटर्स मतलब ये होता है बैड डेट्स माइनस करने के बाद वाले डेटर्स आपके अच्छे डेटर्स है यस बैड डेट्स माइनस करने वाले बैड डेट्स माइनस करके जो डेटर्स बचते हैं वो आपके क्या बचते हैं गुड डेटर्स तो केस नंबर वन में डेटर्स कितने बचे हुए हैं नाइन्टी फाइव थाउजेंड कितने बचे हुए हैं नाइनटी फाइव थाउजेंड अब आपको क्या करना है ोविजन एट द रेट टेन परसेंट एट द रेट टेन परसेंट दैट इज नाइंटी फाइव थाउजेंड का टेन परसेंट कितना होता है नौ हजार पांच सौ लेस प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल क्या केस नंबर वन में ऑलरेडी कोई प्रोविजन का बैलेंस अवेलेबल है क्या यस सर प्रोविजन अभी भी चार हजार का बचा हुआ है प्रोविजन अभी भी चार हजार का बचा हुआ है तो जितना डिफरेंस है पांच हजार पांच सौ ये आपको कहां डालना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एंड अब बैलेंस शीट कैसे दिखेगी सर बैलेंस शीट दिखेगी डेटस जो नया वाला फिगर है नाइन्टी फाइव थाउजेंड और जो नया वाला प्रोविजन है नौ हजार पांच सौ जो नया वाला प्रोविजन है आपका न्यू प्रोविजन नौ हजार पांच सौ नाइनटी फाइव नाइन्टी एटी फाइव फाइव हंड्रेड इज इवेंट कैटर ये सर केस नंबर वन में डेटर्स का कितना बैलेंस बचा नाइंटी फाइव थाउजेंड बैड डेट्स करने के बाद का फिगर रहता है ये वाले आपके अच्छे डेटर्स रहते हैं क्या रहते हैं गुड डेटर्स और उन्हीं पे क्या बनता है प्रोविजन अगर पुराना कोई ऑलरेडी प्रोविजन पड़ा हो वो माइनस कर दोगे डिफरेंस विल बी गोइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और न्यू प्रोविजन हमेशा कहां से माइनस होगा डेटर्स में से दिस वॉज योर केस नंबर वन लेट्स गो टू केस नंबर टू केस टू डेटर्स का अच्छे वाला डेटर्स का कितना बैलेंस है सर अच्छे वाला डेटर्स का बैलेंस देख लेते हैं अच्छे वाला डेटर्स का बैलेंस कितना है नाइन्टी वन थाउजेंड अच्छे डेटर्स का बैलेंस कितना है नाइन्टी वन थाउजेंड वो डेटर्स जो बैड डेट्स करने के बाद और सर कोई पुराना प्रोविजन बचा है क्या नहीं सर पुराना प्रोविजन कुछ भी नहीं है जो प्रोविजन था वो हो चुका है जीरो इसके पहले वाले केस में चार हजार था बट इस केस में हो चुका है जीरो तो अब आपका प्रोविजन बनेगा एट द रेट टेन परसेंट तो नाइंटी वन थाउजेंड का टेन परसेंट होता है नौ हजार एक सौ लेस ओल्ड प्रोविजन या प्रोविजन का कोई ऑलरेडी बैलेंस है क्या सर वो तो है जीरो तो आपका नौ हजार एक सौ कहां चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कहा चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा सर बैलेंस शीट में आपका डेटर है नाइन्टी वन थाउजेंड लेस प्रोविजन नाइन्टी वन हंड्रेड तो ये हो गया नाइन्टी वन एटी वन एटी वन नाइन हंड्रेड परफेक्ट विद दिस यस सर परफेक्ट यस अब केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री डेटर्स का अच्छे वाले कितना बैलेंस बचा हुआ है सर डेटर्स का जो एक्चुअल बैलेंस बचा हुआ है हमने माइनस करके कितना आया है एट्टी सिक्स थाउजेंड कितना आया है एट्टी सिक्स थाउजेंड आपको समझ रहे हैं बैड डेट्स माइनस करने जो मैं बोलता हूं टोटल बैड डेट्स माइनस कर दो डेटर में से उसका इंपॉर्टेंस यस yes, वो आपको देता है अच्छे वाले डेटर्स कितने बचे हैं अच्छे बच्चे एट्टी सिक्स थाउजेंड क्या प्रोविजन कुछ बचा हुआ है क्या पुराना नहीं सर प्रोविजन हो चुका है जीरो प्रोविजन हो चुका है जीरो चलो तो अब आपको न्यू प्रोविजन बनाना है यस सर सर, न्यू प्रोविजन इज एट द रेट टेन परसेंट तो एटी सिक्स थाउजेंड का टेन परसेंट कितना आठ हजार छ सौ लेस प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्टेड या उसको आप बोल सकते हो पुराना कितना प्रोविजन पड़ा हुआ है सर वो तो हो चुका है जीरो तो पूरा का पूरा आठ हजार छे सौ कहां पर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड कहां पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा सर डेटर नो एटी सिक्स थाउजेंड माइनस न्यू प्रोविजन माइनस न्यू प्रोविजन आठ हजार छ सौ ये हो गया सेवेंटी सिक्स 77, तो 27, भाई साहब करना अगर कैलकुलेशन कुछ एरर है तो बट मैंफाई कर लेता हूं एटी सिक्स थाउजेंड माइनस टेन परसेंट सेवेंटी सेवन फोर हंड्रेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट केस नंबर फोर केस नंबर फोर में आपके डेटर्स का अच्छा बैलेंस कितना है सर तो डेटर्स जो अच्छे वाले बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं नाइन्टी फाइव थाउजेंड और इस केस में क्या कुछ प्रोविजन है क्या सर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन नहीं था तो प्रोविजन के बैलेंस होने की बात ही नहीं आती है परफेक्ट तो अब आप न्यू प्रोविजन बनाएंगे यस न्यू प्रोविजन एट द रेट टेन परसेंट कितना है नौ हजार पांच सो लेस ओल्ड कुछ था क्या सर ओल्ड प्रोविजन नाम की कोई चीज ही नहीं थी तो आपका नौ हजार पाँच सौ कहां चले जाएंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ठीक है यस सर बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा जैसे दिखते आया है बेटा अभी तक डेटर्स नाइन्टी फाइव थाउजेंड लेस प्रोविजन न्यू वाला नौ हजार सौ ये हो गया नाइन्टी फाइव फाइव हंड्रेड इज एवन परफेक्ट क्लियर यस और सर अब समरी दो की? बैड डेट्स विद प्रोविजन विदाउट प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन के साथ क्या हिसाब किताब है बिल्कुल दे देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे इस चीज में चल केस नंबर वन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना डेबिट होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है कितना डेबिट होगा और किस नाम से होगा विथ Which name? क्योंकि बैलेंस शीट में डेटर्स का जो फाइनल फिगर है ठीक है वो तो मैंने चारों केसेस का दे दिया है वन टू थ्री फोर चारों के लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा वो इंपॉर्टेंट है सर पहले केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे पहले केस में अपन केस वाइज केस चलते हैं, मेरे को आपको दिखाना ही पड़ेगा नहीं तो आपको अननेसरी कंफ्यूजन ना बढ़ जाए सर पहले केस में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ गया है क्या नहीं सर तो बैड डेट्स होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं गया है परफेक्ट यस सर बट सर आपने क्योंकि नया प्रोविजन बनाया तो केस नंबर वन में नया प्रोविजन में साढ़े पांच हजार कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ओनली एंड ओनली फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड द नेम बैड डेट्स अकाउंट प्रोविजन की एंट्री क्या रहती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एक बात बताता हूं प्रोविजन की एंट्री रहती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन तो किस नाम से जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स केस नंबर टू सर केस नंबर टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सर केस नंबर टू में बैड डेट थे 9000 प्रोविजन था 9000 तो बैड डेट्स उसमें से माइनस हो गया था अब प्रोविजन हो गया जीरो फिर हमको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ा था नया वाला अब नया वाला प्रोविजन जब हमने क्रिएट किए थे तो केस नंबर टू में सर 9100 हजार कहा गया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड तो केस नंबर टू में 9100 हजार कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड विद प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स परफेक्ट येस सर अब सर केस नंबर थ्री की बात करते हैं केस नंबर थ्री में एक्चुअल बैड डेट्स थे आपके चौदह हजार लेकिन प्रोविजन कितना था नौ हजार तो जितना ज्यादा है वो कहा चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में विद द नेम बैड डेट्स अब सर जितने बैड डेट्स है चौदह हजार वो कहां से माइनस हो जाएंगे डेटर्स में से तो अब आपका डेटर्स का कितना हो गया एटी सिक्स थाउजेंड और आपको टेन परसेंट प्रोविजन बनाना था तो आठ हजार छ सौ का प्रोविजन भी बना है तो किस नाम से जाएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मतलब जब चौदह हजार हुआ है तो पांच हजार बैड डेट्स के नाम से गया और आठ हजार छह सौ प्रोविजन के नाम से गया है परफेक्ट यस सर ये न्यू प्रोविजन ये सब न्यू है बेटा नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए एरोइंग कर देता हूं फिगर्स की अब आता है केस नंबर फोर एंड द लास्ट फॉर प्रोविजन ये बेटा बैड डेट्स और प्रोविजन का एक बार वापस से देखना केस नंबर फोर भली दो बार देख लेना बट एक बार अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया ना तो बात खत्म एक बार से फिट होने की नीडेड है केस नंबर फोर में सर प्रोविजन वॉज जीरो तो जितना बैड डेट्स है वो पूरा का पूरा कहा चले गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड विद द नेम बैड डेट्स क्योंकि प्रोविजन था ही नहीं फिर हमने नया प्रोविजन बनाया तो नया प्रोविजन कितना बना नौ हजार पांच सौ रुपए का वो किस नाम से गया है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स यस तो इन शॉर्ट अगर मैं चीजें आपके सामने प्रेजेंट करूं तो केस नंबर वन में टोटल कितना गया है साढ़े पांच हजार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड केस नंबर टू में कितना गया है नौ हजार एक सौ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड केस नंबर थ्री में नौ पांच तेरह तेरह हजार छह सौ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड उसका ब्रेकअप ये है और केस नंबर फोर में चौदह हजार पांच सौ गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यस सर यस क्या दिख रहा है क्यों रेड वाला मेरे बार चेक करने दो हा दिख रहा है ठीक है चलो दैट वॉज द समरी फॉर प्रोविजन अ वेरी वाइटल समरी बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार राजा इट्स अ जेन्यून रिक्वेस्ट आपको समझ गया होगा फिर भी रिवाइंड करो और देखो बिकॉज प्रोविजन आपको एनपीओ में मिलेगा प्रोविजन आपको पार्टनरशिप में मिलेगा प्रोविजन आपको फाइनल रिवॉल्व बार, 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 no हो जाता है एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाता है एंड फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस रिमेन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ अकाउंट के नाम चेंज होंगे बेटा चैप्टर्स जैसे चेंज होंगे अकाउंट का नाम चेंज होगा बट कंसेप्ट वही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के जगह रिवैल्यूशन डेबिट एंड रिवैल डेबिट के जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट एज एंड व्हेन चैप्टर चेंजेस परफेक्ट विद दिस यस सर चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस अच्छे से डन विद टेकिंग स्क्रीनशॉट गाइस यस सर चले राजा आगे बिल्कुल सर चलते हैं अब आगे का टॉपिक आपका बढ़ते हैं सर इसमें तो बहुत सारा लिखना पड़ रहा है बिल्कुल बेटा फाइनल अकाउंट सही वैसा कि आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा अब आखिरी के दो टॉपिक बाकी है, बी मैं है एक घंटा मिनट के आसपास हो चुका है बट स्टिल ठीक है चलो अब मैंने टॉक अबाउट फॉर द टॉपिक अब आपके लिए आ रहा है अगर एडजस्टमेंट में अगर एडजस्टमेंट में गिवन है न, 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 न. एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है लेट मी चेक ठीक है अब पता नहीं अगर एडजस्टमेंट में आपको गिवन है क्या लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर ऑफ लेक गुड्स मतलब चोरी हो रहे हो गए या लॉस बाय फायर स्टोलिन और तीसरा क्या था एक सेकेंड मैंने लिख के रखा था उधर आईपैड मेरे हम्म या आपने अगर सैंपल ने बांट दिया अगर आपने सैंपल ने बांट दिया तो सर इसका क्या इफेक्ट है राजा फर्स्ट इफेक्ट बता रहा हूं आपको ध्यान दो फर्स्ट इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देना और दूसरा सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देना सर ऐसा क्यों आप समझो बेटा इसका लॉजिक समझो दो मिनट ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है अब इसके डेबिट साइड परचेज दिखेंगे आपको सपोज दस हजार यूनिट सपोज दस हजार यूनिट अब बात बताओ अगर आपने दस हजार में से पांच सौ यूनिट सैंपल के नाम से फ्री में दे दिए आपने सैंपल के नाम से फ्री में दे दिए क्या सैंपल में चीजें देना एक खर्चा है क्या यस सर सैंपल में चीजें देना एक खर्चा तो है बट क्या वो खर्चा गुड्स के परचेज से लिंकडेक नहीं सर सैंपल में देना एक तरह का आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो सैंपल का जो भी खर्चा है वो कहा आना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अब देखो सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूं 500 यूनिट का खर्चा कितना लिख देता हूं पांच सौ आपको नहीं लग रहा आपने दो दो जगह लिख दिया दस हजार दस हजार में पांच सौ इंक्लूडेड है मतलब डेबिट साइड आपने दस हजार लिख दिया वो भी खर्चा है और पीएनएल के डेबिट साइड आपने पांच सौ लिख दिया वो भी खर्चा है खर्चा है पांच सौ का लेकिन लिखा जा रहा है दो बार इसके अंदर इंक्लूडेड है पांच सौ यस और ये सैंपल तो आपने अलग से लिखा है तो अब मैं क्या करूंगा मेरे को अगर टेक्निकली पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए तो मैं पांच सौ यूनिट यहां से हटा दूंगा विद द नेम सैंपल अब ट्रेडिंग अकाउंट में कितना दिख रहा है साढ़े नौ हजार ट्रेडिंग अकाउंट में क्या दिख रहा है इन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड पांच सौ कहां चले गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या टोल टेन थाउजेंड हो गया ये yes. तो ये सब चीजें ही है यहां पे परफेक्ट विद दिस यस सर ये हो गया आपका लॉस बाय फायर थेफ्ट इंश्योरेंस एक्सेट्रा अब सर चोरी हुआ आग लगी अगर इन सब में इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो क्या एडजस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम एडजस्टमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम सर वैसे तो इंश्योरेंस क्लेम लॉस में से माइनस होता है बट थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं अपन अगर लॉस हुआ या चीजें चोरी हुई तो आप क्या करोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एंड कुछ भी अगर इंश्योरेंस क्लेम या तो क्लेम आपको मिल जाएगा That is received हो जाएगा या तो क्लेम रिसीवेबल रहेगा दोनों चीजें रहेगी दोनों बातें रहेगी या तो क्लेम मिल गया या तो क्लेम मिलने वाला है ठीक है अगर क्लेम रिसीव्ड है तो बैंक अकाउंट में प्लस कर देना और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देना सर हम तो लॉस में से माइनस करते हैं ना बेटा लॉस में से माइनस करना एक डिस्कलोजर है आप चाहो तो उसको उसके क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आप क्या करते हो लॉस लिखते हो और ये उसमें से माइनस कर दो कोई भी क्लेम आप उसको क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सर अगर रिसीवेबल है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड क्या लिख दोगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल जितना भी मिलने वाला है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के लिख दोगे परफेक्ट विद दिस सर परफेक्ट विद दिस सर सर इसका प्लीज एक एग्जाम्पल करवाइए चलो आप या आपका ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट यहां परचेजेस गिवेन आपके 1 lakh rupees adjustment goods lost by fire rupees 5000 and insurance company admitted क्लेम ऑफ रुपीस तीन केसेस ले लेते हैं. रुपी फाइव थाउजेंड एंड केस नंबर थ्री रुपीस सेवन थाउजेंड लेट्स टेक एट थाउजेंड नहीं थाउजेंड ठीक है ये आपका केस है तो सर अब क्या करना है सबसे पहले जो ट्रेडिंग में गिवन है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, उसको सिंगल इफेक्ट दो ये आपका केस नंबर वन हो और केस नंबर टू हो और केस नंबर थ्री हो सब में ट्रेडिंग अकाउंट विल बी कॉमन तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट आ गया ठीक है आपने परचेस किया तो परचेज ऑन द डेबिट साइड सर परचेस किया है गिवेन द ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में गिवेन था तो डेबिट या तो एसेट रहेगा या तो खर्चा परचेस एक तरह का खर्चा है फिर इधर क्या लिख दोगे लॉस बाय फायर सर लॉस बाय फायर का क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड केस नंबर वन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड लॉस बाय फायर कितना लॉस बाय फायर फाइव थाउजेंड अब केस वन में क्लेम कितना है दो हजार रुपए क्लेम कितना है दो हजार तो यहां पे लिख सकते हो आप इंश्योरेंस क्लेम इंश्योरेंस क्लेम कितना है दो हजार क्या ये आपको मिल गया अगर मिल गया तो बैंक में प्लस कर देना नहीं मिला तो बैलेंस शीट में लिख देना केस नंबर टू वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बाय फायर लॉस बाय फायर कितना है इस बार पांच हजार और क्लेम भी कितना है पांच हजार मिल गया तो बैंक में प्लस नहीं मिला तो बैलेंस शीट के कितना लिख दोगे करते ना छोड़ो ना बेटा जरूरी है क्या माइनस करना नहीं जस्ट पार्ट ऑफ डिस्कलोजर ऐसा कोई कंपल्स नहीं कि माइनस करना ही है ऐसा कुछ नहीं है याद रख लिया सबको बिल्कुल सर चल ये हो गया आपका लॉस बाय फायर अब लास्ट आपका एडजस्टमेंट बाकी है लास्ट गुड्स विद ड्रॉन बाय ओनर अब ओनर कुछ खरीदा हुआ सामान लेके चला गया तो इसका इफेक्ट क्या रहता है सर सेम इफेक्ट है फर्स्ट इफेक्ट परचेज में से माइनस कर देना परचेज में से माइनस कर देना और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सर आप कौन सा प्रेफर करोगे बेटा टेक्निकली जो करना चाहिए आपने परचेस में से माइनस दूसरा क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बट आई विल ऑलवेज प्रेफर परचेज से माइनस एंड सेकेंड इफेक्ट सीधा सीधा ड्रॉइंग्स में प्लस एंड एंड में ड्रॉइंग्स कहां से माइनस हो जाती है ड्रॉइंग्स माइनस हो जाती है कैपिटल में से ड्रॉइंग्स कहां से माइनस हो जाती है ड्रॉइंग्स डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल तो आखिर में नेट इफेक्ट क्या है कैपिटल में से माइनस ड्रॉइंग्स में प्लस तो ड्रॉइंग्स बढ़ जाएंगी और ड्रॉइंग्स कहां से माइनस हो जाती है कैपिटल में से दिस इज द एंड इसके अलावा मुझे नहीं लगता पॉसिबल कोई और एडजस्टमेंट आ सकता है और आया भी तो मैंने आपको पूरा वेराइटी कवर किया है ब्रेक yes. ब्रेक तो ले लो चलो ऑफ मिनट अरे मेरे ले नहीं आपके लिए आप पॉज करो ब्रेक लो और आगे आओ वापस लेट स्टार्ट आप, आपको क्या करना है फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस फॉर फिनेंशियल ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑफ मेसेज दिपिक्षा चूज़ फॉलोइंग परचेज एंड सेल सर दस लाख परचेज है सर आपको कैसे पता बेटा डेबिट मतलब खर्चा और खर्चा परचेज एक तरह खर्चा है और सेल्स कितना है बारह लाख रुपए सेल्स कितना है बारह लाख ,00 तो ये आ चले जाएगा सर दस लाख रुपए बनाना है क्या तो बना देते हैं आप बोलोगे तो बना देंगे बात है क्या ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं नीड तो नहीं है बनाने की बट स्टिल ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले आपका फॉर्मेट क्या बोलता है पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक पहले क्या आएगा ओपनिंग स्टॉक फिर आएगा परचेस अगर परचेज में से परचेस कुछ रिटर्न है तो क्या कर दोगे माइनस यहां पे आएगा सबसे पहले सेल्स करो टू बाय तो लिखो ले बेटा टू बाय बाय सेल्स कुछ सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस हो जाएगा एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक ये प्राइमरली हेडिंग्स रहती है यस yes? चलो परचेस कितना है आपका दस लाख कुछ परचेस रिटर्न है क्या नहीं परचेस कितना है आपका दस लाख रुपए परचेस कितना है दस लाख रुपए अब मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है मैंने सिर्फ परचेज देखा दस लाख रुपए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सर 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 एक चीज तो बताइए आपने हमको बोला कि क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक सर इसका एडजस्टमेंट आपने कराया नहीं चलो करा देते बेटा लो एक और एडजस्टमेंट फाइनल ये आपका लास्ट ये कराने का नीड नहीं है तो बच्चे बच्चे को याद हो गया अभी एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का क्या एडजस्टमेंट है सर सीधा इसका हिसाब है, है पहला फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड बैलेंस शीट के एसेट साइड परफेक्ट सर एक क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिखता है यस, yes, बट राजा यहां पे तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है यहां पे तो क्लोजिंग स्टॉक कहां दिख रहा है ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है तो याद रखना जब जब क्लोजिंग स्टॉक इज शोन एट ट्रायल बैलेंस तो आपका परचेज क्या बन जाता है एक तरह का एडजस्टेड परचेजेस मीन्स इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो चुका है सर वापस बोलो जब जब क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन परचेज इज नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नेट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मीन्स परचेज में से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक कितना हो चुका है माइनस तो कहना है से कहीं ना कहीं मेरा परचेस तेरह लाख था बट उसमें से तीन लाख माइनस हो गया तो अभी कितना दिख रहा है परचेस टेन लाख रुपीज अब कितना दिख रहा है परचेस टेन लाख रुपीज यूर रिक्वायर्ड टू तो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेटर सर यहां पर तो ट्रेडिंग अकाउंट बोला ही नहीं बनाने के लिए नहीं बोला तो हटा देंगे एक सेकंड लगता है डिलीट करने में चलो डिलीट कर दिया हमने सर क्लोजिंग सीओजीएस का फॉर्मूला क्या है बेटा ये चीज एनपीओ में भी है और ये चीज यहां पे भी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एनपीओ मिलेगा आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और यहां पे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये इन्वेंट्री में अपन सीख चुके हैं बहुत सारी जगह सीख चुके हैं वॉट इज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज परचेस कौन सा चाहिए आपको नेट परचेस परचेस कौन सा चाहिए आपको नेट परचेस नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक परफेक्ट यस सर आपको कुछ और डेटा गिवन है क्या डेटा गिवन है सर पढ़ते हैं परचेज सेल दे दिया बिल्कुल डेटाज और क्रेडिटर्स दे दिया यस yes, सर ओपनिंग स्टॉक दे दिया दो लाख क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तीन लाख एक्सपेंसिस एंड इनकम सात लाख और नौ लाख फिक्स एसिड लॉन्ग टर्म लाइवलीज पच्चीस लाख और छह लाख कैपिटल इक्कीस लाख एडिशनल क्रेडिटर्स बैलेंस एज ऑन फर्स्ट एप्रिल टू थाउजेंडीन लाखेंस था ओपनिंग तीन लाख रुपए ओपनिंग इतना था तीन लाख रुपए चलो क्या आपको ओपनिंग स्टॉक गिवेन है ये सर ओपनिंग स्टॉक आपको कितना गिवेन है ओपनिंग स्टॉक आपको गिवेन है दो लाख रुपए सर आपने तो कहा नेट परचेस बट इन द गिवन क्वेश्चन आपका क्लोजिंग स्टॉक और आपका परचेस परचेज एडजस्टेड परचेज मतलब इसमें से ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है तो आपका एक्चुअल परचेस कितना था सर एक्चुअल परचेस था तेरह लाख रुपए परफेक्ट उसमें से तीन लाख रुपए माइनस हो चुके हैं तो तब जाके ट्रायल बेन्स में कितना दिख रहा है दस लाख बट मैंने स्प्लिट कर दिया आपका एक्चुअल परचेज कितना था तेरह लाख और क्लोजिंग स्टॉक कितना है तीन लाख तो सी ओ जी एस आपका कितना है पंद्रह माइनस ये हो गया आपका दस बारह लाख रुपए कॉस्ट ऑफ सोल्ड कितना है बारह लाख रुपए एंड क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया था तो क्रेडिटर्स का अकाउंट बना लेते हैं क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है ये yes, इतना तो अपन ने एनपी में सीखा है क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है तो ओपनिंग ऑन द क्रेडिट साइड ओपनिंग बैलेंस कितना है तीन लाख रुपए तीन लाख ही है ना भाई ओपनिंग कितना है तीन लाख क्लोजिंग कितना है सर क्लोजिंग इनको बैलेंस शीट में आपने दिया हुआ है चार लाख रुपये सर आपको कैसे बता है? चार लाख की क्लोजिंग है बेटा ये क्रेडिट साइड है क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी या इनकम क्या क्रेडिट राइबिलिटी हो सकती है यस yes, सर तो चार लाख अब मेरा अजम्पन है आई एम रिपीटिंग मेरा अजम्पन है ये पूरा का पूरा परचेज हमने किससे किया है क्रेडिटर्स से क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कितना तेरह लाख रुपए तेरह लाख रुपए तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो गया तो क्रेडिटर्स के क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे परचेज तेरह लाख रुपए तो आपने कितना पेमेंट किया इनको सर सोलह लाख रुपए यहां पे ऑलरेडी कितना है यहां पे चार लाख तो सोलह लाख ऑलरेडी ऑलरेडी कितना है चार लाख तो डिफरेंस कितना हो गया बारह लाख रुपए जो आपने किसको पे किया है क्रेडिटर्स को तो, तो इधर क्या लिख देंगे बैंक अकाउंट क्या लिख देंगे बैंक अकाउंट एम आई वेरी परफेक्ट विद दिस वापस बोल रहा हूं अगर ट्रायल बैलेंस में परचेज भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है तो मानना परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो चुका है परफेक्ट विद दिस मतलब वो कौन सा परचेज है एडजस्टेड परचेस परफेक्ट विद दिस यस सर तो सर अब ये वाला परचेस कहां पे जाएगा राजा ये वाला परचेस आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ट्रेडिंग डेबिट और सर ये क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा ये जाएगा डायरेक्टली बैलेंस शीट के एसेट साइड सर ऐसा क्यों राजा देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तेरह लाख लिखू क्रेडिट साइड में तीन लाख लिखू so say, मैं net, अगर दस लिख देता हूं, तो कहना है तो ऑटोमेटिकली चीजें सॉर्ट हो जाएगी यस सर नेट इफेक्ट वही था तेरा डेबिट परचेस के नाम से तीन क्लोजिंग स्टॉक के नाम से क्रेडिट तो नेट कितना हो गया दस तो दस यहां लिख दिया परफेक्ट विद दिस यस सर छापो बेटा जल्दी मतलब स्क्रीनशॉट लो इन द सेंस छापो क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्वेश्चन नंबर टू सबसे पहले मेरे को बात बताओ क्या क्वेश्चन नंबर टू क्या ये जो है गिवन ये ट्रायल बैलेंस है क्या क्वेश्चन मेरा क्या है जो डेटा गिवन है क्या वो ट्रायल बैलेंस है क्या सर तो नहीं सर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट यहां पर डेबिट क्रेडिट जैसा फॉर्मेट ही नहीं है मीन जस्ट एक इंफॉर्मेशन है दिस इज नॉट अ ट्रायल वायलेंस। इट जस्ट अ इंफॉर्मेशन परफेक्ट विद दिस यस सर फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ एबीसी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी परफेक्ट विद दिस यस सर चल ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले टू ओपनिंग इन्वेंट्री अब हम नॉर्मली क्या लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक बट आप क्या लिखोगे टू ओपनिंग इन्वेंट्री जैसा क्वेश्चन ने लिखा है आपने वैसा ही लिखना चाहिए एक लाख रुपए कितना है एक लाख रुपए छोटा ज्यादा छोटा हो गया टू ओपनिंग इन्वेंट्री एक लाख रुपए चलो नेक्स्ट परचेस वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट से लिखा जाता है टू परचेस परचेज कितना है सिक्स लैख सेवेंटी टू थाउजेंड सर कैरेज इनवर्ड राजा कैरेज इनवर्ट मतलब गुड्स परचेज के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है वो क्या कहलाता है कैरेज इनवर्ट तो वो भी कहा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो टू कैरेज इनवर्ड कितना कैरेज इन वर्ट थर्टी थाउजेंड उसके बाद वेजेस है उसके बाद है वेजेस तो क्या लिख दूंगा टू वेजेस वेजेस कितना है पचास हजार रुपए फिर क्या आ जाएगा सेल्स गिवन है तो बाय सेल्स सेल्स कितनी है आपकी ग्यारह लाख रुपए सेल्स कितनी है आपकी ग्यारह लाख रुपए अब सर वहां पे क्या क्यों न रिटर्न इनवर्ड अब बच्चे यहां कंफ्यूज होना शुरू होते हैं रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या एकदम सिंपल इनवर्ड आए मतलब गुड्स इन आए इन कब आएंगे जब कभी बाहर गए हो बाहर कब जाता है जब सेल होता है तो सेल रिटर्न को क्या कहलाया जाता है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड इज ऑल्सो नोन एज सेल्स रिटर्न और सर रिटर्न आउटवर्ड मतलब कभी वो इन आए होगे तो इनका बात है जब मैं परचेस करता हूं और मैं उनको वापस कर रहा हूं तो वो क्या होता है रिटर्न आउटवर्ड तो सर सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा माइनस तो ये ग्यारह लाख माइनस रिटर्न एक लाख रुपए जो भी होगा वो नेट भार यहां पे सिक्स लेख सेवेंटी टू थाउजेंड है सिक्स लैख सेवेंटी टू थाउजेंड माइनस माइनस रिटर्न कितना रिटर्न है तो रिटर्न है सेवेंटी टू थाउजेंड तो आउटर कॉलम में कितना हो गया फिगर छह लाख रुपए फाइनल और यहां पे कितना हो गया दस लाख रुपए फाइनल हम्म नेक्स्ट आखिर में अरे गया गया, so, राजा सर ये तो परचेज हुआ ना अरे मेरे भाई ये ट्रायल बैलेंस नहीं है ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है आप एक काम कर सकते इसको क्या कर सकते हो आप मान सकते हो एडजस्टमेंट का पार्ट और एज पर द एडजस्टमेंट किसमें आएंगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड परफेक्ट यस सर तो यहां पे आ गया आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री हम्म कितना हो गया दो लाख रुपए चलो अब आप, आपका क्रेडिट साइड कितना है बारह लाख रुपए क्रेडिट साइड कितना है बारह डेबिट साइड देखते हैं छह और एक सात सात और सात पचास सात अस्सी इन सबका टोटल कितना है सेवन लाख एट्टी थाउजेंड यहां पर कितना होना चाहिए बारह लाख ,00 क्रेडिट मतलब कमाई होती है डेबिट मतलब खर्चा क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है मतलब कहना है इसे मैंने कमाया है कमाया है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना ग्रॉस प्रॉफिट है छह सात सात अस्सी सात अस्सी बारह में स्थित करो तो ये हो गया चार लाख बीस हजार कितना हो गया चार लाख बीस हजार रहे हैं तक यस सर टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सर रेवेन्यू एक्सपेंसिज एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ इ ट्रेडर्स एज ऑन थर्टी फर्स्ट मैच टू थाउजेंड ट्वेंटी चार लाख बीस हजार क्या यही से आ रहा है वो ये क्वेश्चन चार लाख बीस हजार आया अब इसके अलावा आपको बता रहा है कि सैलरी सैलरी का लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डिस्काउंट क्रेडिट है क्रेडिट मतलब होती है कमाई या Library, तो डिस्काउंट क्या हो गई कमाई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट में है तो हम क्या लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट सर ये डिस्काउंट रिसीव्ड है और ये डिस्काउंट गिवन है जब देता हूं तो खर्चा मिलती है तो कमाई बैड डेट्स डेबिट इंटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कंसल्टेंसी फी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टेलीफोन पोस्टेड टेलीग्राम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये सब डेबिट है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद से बना सकते हो अब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वापस क्या होगा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन चार लाख बीस हजार उसके बाद जो भी कमाई होगी यहाँ पे जो भी खर्चा होगा एक्स्ट्रा का वो यहाँ पे आप देखना अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड क्या लिखोगे सॉरी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड नेट प्रॉफिट अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड नेट लॉस परफेक्ट यस सर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये तो मैं आपको समझा चुका हूं प्रोविजन में तो कब का समझा चुका हूं आपको मैं यहां पे समझाने वाला था लेकिन फ्लो फ्लो में तभी का भी वही पे समझा दिया अब यहां पे वही है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है तो अब आपको एक क्वेश्चन आया था इस पे लेट्स सी ऑन फर्स्ट अप्रैल 2020 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड 40,000 आपको दे रहा है वो समझो एक बैलेंस शीट है समझो एक ट्रेडिंग अकाउंट लेते हैं यह आपका ट्रायल बैलेंस है यह आपका ट्रायल बैलेंस है पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये हमेशा आपको क्या मिलेगा क्रेडिट फिगर कितना क्रेडिट फिगर है फोर्टी थाउजेंड रुपीज सर हाउ कम इट इज क्रेडिट बिकॉज इसकी एंट्री रहती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट एंड प्रोविजन क्रेडिट परफेक्ट यस ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं ट्रेडिबल मतलब ऑल्सो नोन एज डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल आर एसेट्स, रिसीवेबल आर एसेट कितने हैं पंद्रह लाख बैड डेट्स टोटल एक लाख सर, क्या बैड डेट्स हुए हैं येस तो क्या क्वेश्चन में प्रोविजन मेंशन है आपके पास ये क्या प्रोविजन से ज्यादा बैड डेट है क्या ये सर प्रोविजन से ज्यादा जितना ज्यादा है सर बैड्स एक लाख प्रोविजन है चालीस हजार तो कितना ज्यादा है साठ हजार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा बैड डेट साठ हजार रुपये कितना लिखा जाएगा साठ हजार रुपए और आपका ये प्रोविजन अब हो चुका है जीरो ये प्रोविजन हो गया अभी आपका खत्म नाउ इट इज जीरो नेक्स्ट इट इज रिक्वायर्ड टू बैड डेट्स एंड क्रिएट प्रोविजन इक्वल्स टू सर दो इफेक्ट रहते जितना ज्यादा है उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और दूसरा टोटल बैड डेट्स डेटर में से माइनस तो डेटर का न्यू बैलेंस कितना हुआ न्यू बैलेंस हुआ ओरिजिनल पंद्रह लाख थे माइनस एक लाख तो कितना बैलेंस हो गया चौदह लाख तो आपका न्यू प्रोविजन कितना हुआ न्यू प्रोविजन चौदह लाख का पांच परसेंट चौदह लाख का पांच परसेंट दैट इज सत्तर हजार रुपए क्या पुराना कुछ भी बचा हुआ है क्या नहीं सर ओल्ड इज जीरो तो पूरा का पूरा सत्तर हजार डेबिट हो जाएगा डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब आपको पूछ रहा है कि कंप्यूट द टोटल अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल अमाउंट डेबिटेड इज सत्तर प्लस साठ एक लाख तीस हजार बट नाम क्या है साठ हजार बैड डेट्स के नाम से डेबिट हो गए और सत्तर हजार प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के नाम से डेबिट हो गए परफेक्ट विद दिस यस सर चलते हैं आगे अब आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस अब आपको क्या गिवन है ट्रायल बैलेंस अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां गिवेन है एडजस्टमेंट में यह एक एडजस्टमेंट आपके लिए अभी ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी रहता है वो सब क्या रहता है आपके लिए एडजस्टमेंट जो भी चीज ट्रायल बैलेंस के नीचे वो सब क्या हो जाता है आपके लिए एडजस्टमेंट चलो यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्री सर क्लोजिंग एंट्री क्या होती है बेटा कुछ नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में अपन चीजें ट्रांसफर करते हैं दैट इज नोन एज द क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चीजें ट्रांसफर करते हैं दैट इज नोन एज द क्लोजिंग एंट्री सर एग्जांपल दीजिए प्लीज बेटा एग्जांपल दे देते हैं बिल्कुल सपोज ये आपका सैलरी अकाउंट है सपोज ये आपका सैलरी अकाउंट है अब ईयर एंड 31 मार्च पे सैलरी अकाउंट के डेबिट साइड टू बैंक टू बैंक टू बैंक करके यहां पे दिख रहा है दस लाख रुपए अब ईयर एंड हुआ तो ईयर एंड पे सैलरी कहां ट्रांसफर हो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहा ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ट्रांसफर होगा दस लाख रुपए दिस इज नोन एज अ क्लोजिंग एंट्री तो अब आप यहां पे क्या करोगे कुछ नहीं कर सकते सर क्या करेंगे सर यहां पे आप एंट्री ले लोगे सैलरी अकाउंट के क्रेडिट साइड है तो टू सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट डेबिट किसको कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अब ध्यान दो राजा ये एंट्री क्या कहलाती है ये एंट्री कहलाती है ट्रांसफर एंट्री एंट्री क्या कहलाती है ट्रांसफर एंट्री परफेक्ट ये एंट्री क्या कहलाएंगे आपकी ट्रांसफर एंट्री क्योंकि आप सैलरी अकाउंट से दस लाख रुपए का फिगर कहां पे ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग एंट्री सर क्लोजिंग एंट्री क्या रहती है एकदम सिंपल है बेटा ट्रांसफर एंट्री सबको समझी मैं सैलरी से पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी से खर्चा कहां ट्रांसफर कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोजिंग एंट्री क्या आती है ईयर एंड पे आप एक रजिस्टर बंद करते हो आप रजिस्टर बंद करते हो तो जो रजिस्टर बंद करते वक्त आप बैलेंसेस बचते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी के वो कहां पे आते हैं आपका क्लोजिंग एंट्रीज के अंदर चलो सर प्लीज समझाओ कैसे इसको ऊपर ले लेते हैं हाँ ये एग्जांपल है हाँ ये एग्जांपल है सैलरी का सर यहां पे क्लोजिंग एंट्री क्या रहेगी ध्यान दो बेटा कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल को कहां लिख दूंगा क्रेडिट साइड में कैपिटल को लिख दूंगा क्रेडिट साइड में टू कैपिटल जो क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में लिख देना कितना कैपिटल दस लाख हम्म उसके बाद इन्वेंट्री डेबिट में है कैश इन एंड डेबिट में है इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कितना एक सेकेंड इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट मैं आगे पीछे हो रहा हूं क्या हाँ इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट दो लाख एंड सो ऑन एंड सो सोपो चलता रहेगा एम ए वेरी परफेक्ट विद दिस सर अब आप पूरी एंट्रीज पास करोगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने एरर क्या किया है सर फॉर श्योर एक क्लोजिंग एंट्री है क्या अरे आप एक बार पास तो करो फिर देखते हैं दो मेरा पास तो करो मैं आपके लिए रुका हूं। जल्दी पास करो बेटा डन बिल्कुल सर क्या किया सर आपने बेटा आपने क्या किया आपने इन्वेंट्री को डेबिट लिखा कैश को डेबिट लिखा मशीन को डेबिट लिखा परचेज को डेबिट लिखा सर परचेज डेबिट होगा क्या नहीं बेटा परचेज आपका जाएगा परचेज में आपकी एंट्री ट्रांसफर एंट्री होगी क्या होगी ट्रांसफर एंट्री आप जो सबसे बड़ी गलती और मिसकैप्शन होता है आप लोगों के हिसाब से ट्रांसफर एंट्री इज वेरी सिंपल जब आप सैलरी का बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिस इज नोन एज ट्रांसफर एंट्री और बेटा ये सेम चीज इज नोन एज योर क्लोजिंग एंट्री ये सेम चीज ऑल्सो नोन एज योर क्लोजिंग एंट्री ट्रांसफर एंट्री ऑल्सो नोन एस क्लोजिंग एंट्री ऑल्सो नोन एस क्लोजिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री में आपको क्या दिखते हैं ट्रांसफर एंट्री और क्लोजिंग एंट्री में आपको क्या दिखेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या दिखेंगे नॉमिनल अकाउंट यहां तक सबको शॉर्टेड है इज एवन परफेक्ट इस सर तो सर यह क्या है बेटा आपका ईयर एंड हुआ आपका ईयर एंड हुआ एंड की किताबें बंद हुई अब मैं बोलता आप, आप किताबें बंद, बंद, बंद होने के बाद मैं अगले साल के लिए एक नया रजिस्टर बनाऊंगा यस अब बैलेंस शीट में जब आपको आइटम्स वापस से लिखने हैं आप कैसे बैलेंस शीट ड्रॉ क्या जर्नल बुक में नहीं सर मेरे को एक ओपनिंग एंट्री लेनी पड़ती है एक ओपनिंग एंट्री लेनी पड़ती है और ओपनिंग एंट्री में सारे के सारे एसेट डेबिट होते हैं और सारी के सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस शीट तो इन शॉर्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्या बनती है ओपनिंग एंट्री और ईयर एंड पे जो आप सैलरी से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो परचेज से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हो दीज आर एंट्रीज आर नोन एज क्लोजिंग एंट्रीज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर एंट्रीज परफेक्ट यस सर तो अब सबसे पहले मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा फिर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्लोजिंग एंट्री ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर एंट्री एंड ओपनिंग एंट्री फॉर द नेक्स्ट ईयर चलो कैपिटल कहां जाएगा चलो साथ, साथ बनाने चलते हैं इसको मिटा देता तो हूं हाल फिलहाल दो मिनट के लिए ये हम पूरा एक साथ लेंगे चलो समझा बेटा जो एरर आप समझते हो आपको लगता है क्लोजिंग एंट्री इज एंट पे बैलेंस शीट वाली एंट्रीज नहीं क्लोजिंग एंट्रीज नॉर्मल अकाउंट्स को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना तो सबसे पहले क्या बनाएंगे यहां पे बैलेंस शीट मैं रफ में बना रहा हूं बेटा आपको एकदम फॉर्मेट के साथ बनाना है मैं ताकि तीनों चीजें यहीं पे आ जाए इसलिए वैसा कर। फिर ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बना देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चलो एक एक आइटम उठाते हैं सर कैपिटल में क्रेडिट है कैपिटल क्रेडिट मतलब या तो इनकम या तो लाइबिलिटी कैपिटल एक लाइबिलिटी है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा सात लाख कैपिटल में क्या लिखा जाएगा सात लाख सात लाख अब अगर प्रॉफिट होगा तो एड ड्रॉ लॉस होगा तो माइनस और ड्राइंग्स क्या हो जाएगी माइनस तो मैं स्पेस छोड़ देता हूं कुछ ड्राइंग्स रही तो और अगर प्रॉफिट हुआ तो हम ऐड कर देंगे और जो भी फाइनल फिगर है हम बाहर लिख देंगे परफेक्ट यस सर हम्म, चलो उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग कितना है आपका लैंड एंड बिल्डिंग तीन लाख रुपए। डेबिट मतलब एसेट या खर्चा उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग टर्म लोन तो सर लोन है मतलब लाइबिलिटी फोर्टीन परसेंट टीएल कितना है चार लाख रुपए फिर लोन फ्रॉम डी एस एंड को क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी या इनकम तो लोन एक लाइबिलिटी है 4.6 लाख क्या हमको सर एग्जाम में ऐसा लिख सकते क्या? 4 लाख नहीं बेटा आपको पूरा लिखना पड़ेगा चार लाख फोर जीरो 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 अलावा ट्रेड रिसीवेबल एसेट है चार लाख बीस हजार के ट्रेड रिसीवेबल फोर पॉइंट टू लैख नेक्स्ट कैश इन हैंड एक एसेट है कैश इन हैंड जीरो पॉइंट टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड मतलब जीरो पॉइंट टू लैख इन्वेंट्रीज इन ट्रेड सर इन्वेंट्रीज इन ट्रेड अब ये ओपनिंग है मैं कहा चल रहा हूं यार मैं आगे वाले क्वेश्चन में चला गया आठ कोई बात नहीं बेटा चलता रहता है बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी हरकतें होती रहती है कोई बात नहीं वापस स्टार्ट करते कैपिटल कितना है दस लाख रुपए कैपिटल कितना है दस लाख रुपए इसमें से अगर ड्रॉइंग रहेंगी तो माइनस हो जाएगा प्रॉफिट रहेगा तो एड लॉस होगा तो माइनस यस yes. चलो कैपिटल हो गया इन्वेंट्री सर इन्वेंट्री अकाउंट ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है अब सर ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये ओपनिंग है कि ये क्लोजिंग है सर ये ओपनिंग है क्लोजिंग का गिवन है एडजस्टमेंट में तो ये क्या हो जाएगी आपकी ओपनिंग ओपनिंग कहा जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग कहा जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी दो लाख ,00 रुपए कितनी है दो लाख नेक्स्ट कैश इन हैंड कितना है वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड तो कैश वन लाख फोर्टी फोर थाउजेंड तो वन पॉइंट फोर फोर लाख सर क्या करते हैं जीरो के साथ लिखते हैं कि जीरो के बिना लिखते हैं जैसा आप बोलो बेटा मेरे को उसके बिना कंफर्टेबल है शॉर्टकट में हो जाता है मेरा काम 1.44 लाख आगे मशीनरी 7.36 मशीन क्योंकि स्पेस की कमी है 7.36 लाख आगे सर परचेज कहा लिखा जाएगा सर परचेज एक खर्चा है तो टू परचेज अकाउंट कितना है परचेस अठारह लाख बीस हजार रुपए तो एटीन पॉइंट टू लाख निर्भर स्पेस की कमी है बेटा इसलिए आपको पूरा लिखना है नेक्स्ट वेजेस कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू वेजेस टेन लाख नेक्स्ट वेजेस के आगे सैलरी सैलरी कहां जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो डंडी मारोगे तो नीचे क्या शुरू हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो टू सैलरी सैलरी कितना है पचास सैलरी कितना है वेजेस परचेज सैलरी है दस लाख रुपए डिस्काउंट अलाउड सर डिस्काउंट अलाउड एक खर्चा है तो डेबिट साइड टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट या तो खर्चा या तो एसेट अगर डेबिट में खर्चा है तो मैं ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में कराऊं और अगर एसेट है तो बैलेंस शीट में नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव्ड। बाय डिस्काउंट रिसीव कितना डिस्काउंट रिसीव पॉइंट थ्री लाख थर्टी थाउजेंड मतलब जीरो पॉइंट थ्री लाख आगे बढ़ते हैं संड्री ऑफिस एक्सपेंसेस छह लाख रुपए ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गए टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है छह लाख रुपए कितना है छह लाख तो उसके बाद सेल्स अकाउंट कितना है पचास लाख सेल्स का जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स पचास लाख रुपए उसके अलावा सम ओइंग टू कस्टमर मतलब ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसल मतलब एक तरह के आपके डेटर्स रहते हैं तो डेटर्स कहा जाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड ट्रेड रिसीवेबल 8.5 लाख नेक्स्ट ट्रेड पॉइंट 3.7 लाख ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी है ट्रेड पेबल 3.7 लाख और कुछ है क्या ये सर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग इन्वेंट्री सर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड इन्वेंट्री लाख परफेक्ट विद दिस यस सर अब अकाउंट क्लोज करते हैं मोबाइल कैमरा यहां पे है चलो रात से निकाल दिए करते हैं फिफ्टी प्लस टू पॉइंट सेवन इधर हो गया फिफ्टी टू पॉइंट सेवन यहां पे हो गया आपका फिफ्टी टू पॉइंट सेवन यहां पर कितना होना चाहिए फिफ्टी टू पॉइंट सेवन लाइक जितना भी कम है टू माइनस एटीन पॉइंट टू माइनस एंड टेन माइनस कितना ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव लैख इज ग्रॉस प्रॉफिट तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन अब प्रॉफिट है तो यहां पे लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है जब नीचे लेके आ जाता है ठीक है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव अब 22.5 प्लस 0.3 22.8 थ्री इधर भी कितना होगा 22.8 लाख ऑलरेडी कितना है माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस जीरो पॉइंट फाइव दैट इज सिक्स पॉइंट थ्री लैक्स टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अब सिक्स पॉइंट थ्री यहां पर ट्रांसफर हो गया टोटल हो गया सिक्सटीन सेवनटीन ट्वेंटी लैक्स यहां पर कितना होना चाहिए ट्वेंटी लैक्स लेट सी है या नहीं वन पॉइंट फोर फोर प्लस सेवन पॉइंट थ्री सिक्स प्लस एट पॉइंट फाइव एंड प्लस टू पॉइंट सेवन यस द आंसर इज ट्वेंटी लैख अब सर ये बैलेंस शीट कौन से डेट की बनी हुई है थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी का है अब सर ट्रांसफर एंट्री मारनी है हमको ट्रांसफर एंट्री ऑल्सो होना है क्लोजिंग एंट्री अब देखो ट्रेडिंग के डेबिट साइड क्या क्या है ओपनिंग इन्वेंट्री परचेस वेजिस परफेक्ट येस सर ट्रांसफर एंट्री पहला ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेजेस अब मैं वो अकाउंट से सिर्फ जो डेबिट है अब देखो यहां ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करके नाम लिखते जा रहा हूं टू वेजेस कितना है ट्रेडिंग डेबिट साइड टू लाख एटीन पॉइंट टू और टेन टू ट्वेंटी थर्टी थर्टी पॉइंट टू लाख सर वो प्रॉफिट का क्या करेंगे बेटा उसकी अलग से एंट्री आएगी आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या है सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि उसके क्रेडिट साइड में है यस टू ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में क्या लिख देंगे सेल्स अकाउंट एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट स कितना है पचास लाख और क्लोजिंग इन्वेंट्री टू पॉइंट सेवन तो ये हो गया फिफ्टी टू पॉइंट सेवन लाख अब उसके आगे थर्ड ट्रेडिंग वापस डेबिट यस सर क्योंकि जीपी है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखा हुआ है जीपी तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू तो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और, और इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या लिखता है जीपी क्योंकि जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आता है क्रेडिट 22.5 अब उसके अलावा फिर आप क्या करोगे डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दो फोर्थ एंट्री डिस्काउंट रिसीवड अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि उसके क्रेडिट साइड है तो उसके क्रेडिट साइड है तो वो अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है और डेबिट में क्या लिख देंगे वा आगे वाले का नाम ये रख कर दो बेटा क्योंकि मेरे को लगता है ये काम का है अभी फोर्थ फिफ्थ अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट में किस किस का नाम है टू सैलरी टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू डिस्काउंट अलाउड कितना कितना टेन जीरो पॉइंट फाइव और सिक्स टेन लाख इज फॉर सैलरी सिक्स लाख इज फॉर दिसो पॉइंट फाइव इज दिस तो ये हो गया लाख और लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखो कार्ड दिन कितनी एंट्रीज आई है एक दो तीन चार पांच छह एंट्रीज हमेशा आएगी कितनी एंट्रीज आएगी मिनिमम पांच मैक्सिमम कितनी आएगी छह सर मिनिमम पांच क्यों हो सकता है कभी डिस्काउंट की एंट्री ना हो तो ये एंट्री छूट जाएगी तो मिनिमम पांच मैक्सिमम छ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपने नेट प्रॉफिट अभी कहां ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में इसलिए नेट प्रॉफिट कहां जाता है कैपिटल अकाउंट सिक्स पॉइंट थ्री लाख एंड वी आर डन विथ क्लोजिंग एंट्री ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर एंट्री अब ईयर एंड हो गया अब ईयर एंड हो गया अब ईयर एंड के बाद ओपनिंग एंट्रीज आएंगी अगले साल में ओपनिंग एंट्री एज ऑन फर्स्ट जनवरी 2021, आपने बैलेंस शीट बनाई है बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है वो डेबिट लिख देंगे जो लाइब्रेरी साइड और क्रेडिट कैश डेबिट मशीन डेबिट कैश अकाउंट डेबिट मशीन अकाउंट डेबिट ट्रेड रिस्वेबल अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू लाइब्रेरी साइड क्या है टू ट्रेड पेबल अकाउंट ट्रेड पेबल ही मेरे ख्याल से एंड टू कैपिटल अकाउंट ये आपकी क्या हो गई अगले साल की ओपनिंग एंट्री ट्रेड पेबल इज थ्री पॉइंट सेवन लैख कैपिटल इज सिक्सटीन पॉइंट थ्री कैश इज वन पॉइंट फोर फोर लैख उसके 7.36 लाख पॉइंट उसके एंड 8.5 पॉइंट सेवन सबको ओपनिंग एंट्री समझी बेटा यस सर ओपनिंग एंट्री अगले साल की पहली एंट्री रहती है क्लोजिंग एंट्री इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर एंट्री जो आपका नॉर्मल अकाउंट शिफ्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यस एंड ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस कहां ट्रांसफर करना कैपिटल में यस सर समझा आपको बेटा यस yes. अब मेरे पास ट्रायल बैलेंस है ठीक है अब आप मेरे को बताओगे कौन सी चीज कहां जाएगी कौन सी चीज कहां जाएगी चलो एक काम करते हैं आप क्या बनाओगे इससे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी बैलेंस शीट अब इससे आपको डायरेक्टली क्या बनाना है बैलेंस शीट अब आप आपको बता दो कौन सी चीज कहां जाएंगी ये लाइबिलिटी लैंड एंड बिल्डिंग एसेट टर्म लोन लाइबिलिटी ट्रेड रिसीवेबल एसेट कैश इन हैंड एसेट इन्वेंट्रीज एसेट फर्नीचर एसेट ट्रेड पेबल लाइबिलिटी एडवांस टू सप्लायर मैंने दिया है और क्योंकि एक डेबिट है खर्चा नहीं है एडवांस का भी खर्चा नहीं रहता है तो ये हो गया एसेट डेबिट मतलब एसेट या खर्चा नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस और ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस परफेक्ट येस सर बैलेंस शीट बन गई बना लेना बेटा नेक्स्ट चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सेवन अब यहां बहुत सारे एडजस्टमेंट आपको दिखेंगे साथ में यस यस सर कितने लेट मी चेक है काफी है भाई देखते हैं कितने पॉसिबल हो पाते हैं

फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड नाइनटीन कहना है ओपनिंग बैलेंस शीट है परफेक्ट अब ओपनिंग में ट्रेड पेबल एक्सपेंस कैपिटल प्लांट मशीनरी फर्नीचर ट्रेड रिसेबल कैश बैंक एंड इन्वेंट्रीज ड्यूरिंग टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी मतलब पूरे साल भर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड नेट प्रॉफिट ऑफ एटीन थर्टी कितना नेट प्रॉफिट है अठारह लाख तीस हजार दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग आफ्टर मतलब आफ्टर डिडक्टिंग मतलब माइनस हो चुका है वो बता रहे है आपको आफ्टर डिडक्टिंग रेंट रिसीव थ्री लैख डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी टेन परसेंट फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे फाइव परसेंट यह सब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर दिया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके हो इनका क्रेडिट करना बाकी है क्रेडिट परफेक्ट आपने डेबिट कर दिया आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट है मतलब फर्स्ट इफेक्ट कहीं ना कहीं देना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट फाइव परसेंट ऑफ ट्रेड रिसीवल एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ये अठारह लाख तीस हजार के प्रॉफिट आप दो चीजें भूल गए हो पॉकेट एंड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एक लाख अस्सी हजार और प्रीपेड इंश्योरेंस बीस हजार ,00 रुपए सर क्या करेंगे एक काम करेंगे ना हम बेटा हम एक काम करते हैं हम एक रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं हम एक रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है नेट प्रॉफिट हमेशा ऑन दठारह लाख तीस हजार अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है एक लाख अस्सी हजार अब प्रीपेड इंश्योरेंस भी है यस yes. प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बीस हजार रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस आपने कोई खर्चे का पेमेंट एडवांस में कर दिया उसका क्या इफेक्ट रहता है सर ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में से माइनस एंड बैलेंस शीट में एज एसेट एक्सपेंस में से माइनस मतलब एक्सपेंस कम करना है अब यहां इंश्योरेंस का एक्जैक्ट फिगर नहीं है तो यहां पे ना माइनस करते हुए मैं अपोजिट साइड उसको ऐड कर देता हूं अरे बीस हजार एक्सपेंस कम करूं या बीस हजार प्रॉफिट बढ़ाऊं एक्सपेंस कम कर दूं तो ये हो जाएगा एक साथ या मैं यहां पे बीस लिख देता हूं ऑटोमेटिकली चीजें रेक्टिफाइड है सर नहीं समझा हमको देखो बेटा मैंने आपको क्या कहा था एक्सपेंस में से माइनस तो यहां पे आप नेगेटिव लिखोगे अब याद रखना बीच में क्या है लक्ष्मण रेखा बीच में क्या है इक्वल टू का साइन जब भी यहां से फिगर यहां पे मूव करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा वैसे ही होता है ना मैथ्स में इक्वल टू के उस तरफ साइन चेंज हो जाता है तो अभी बीस हजार इस तरफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव ट्वेंटी थाउजेंड इंश्योरेंस प्रीपेड तो आपका रिवाइज कितना हो गया यहां पे हो गया अठारह लाख पचास हजार और यहां पे कितना हो गया एक लाख अस्सी हजार तो अठारह पचास में से एक माइनस कर दो सत्रह पचास सत्रह पचास में से पचास सत्रह सोलह लाख सत्तर हजार इज द रिवाइज्ड एनपी रिवाइज नेट प्रॉफिट कितना है सोलह लाख सत्तर हजार इज एवरी वन विद देश यस सर अब ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका सर ओपनिंग कैपिटल है पचास लाख रुपए प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है सिक्सटीन पॉइंट सेवन लाख प्रॉफिट कितना है सिक्सटीन पॉइंट सेवन लाख चलो अब आगे देखते हैं करंट एसेट एंड करंट एज ऑन मार्च आपको इन्वेंट्री बता रहा है चौदह लाख पचास हजार रुपए लिख दो चौदह लाख पचास हजार रुपए फोर्टीन पॉइंट फाइव लाख आपको सब क्लोजिंग बैलेंसेस बता रहा है और क्लोजिंग बैलेंसेस कहां जाते हैं बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल बीस लाख रुपए ट्रेड रिसीवेबल बीस लाख क्या यहां पर प्रोविजन आएगा क्या जल्दी बताओ सोचो क्या प्रोविजन आएगा क्या लेट्स फिगर आउट सर प्रोविजन आएगा या नहीं आएगा दो मिनट अपन शांति रखते हैं जो लिखा है पे लिखते हैं कैश एट बैंक टेन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड कैश एट बैंक टेन पॉइंट थ्री फाइव लैख टेन पॉइंट थ्री फाइव लैख आगे बढ़ते हैं ट्रेड पेबल इज अबिलिटी ट्रेड पेबल इज अबिलिटी ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल कितना है सर ट्रेड पेबल इलेवन पॉइंट फोर लैख आगे hmm, और क्या है ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स वर सिक्स लैख ड्यूरिंग द ड्रॉइंग्स वर सिक्स लैख तो ये ओपनिंग है ओपनिंग में प्रॉफिट एड लॉस माइनस ड्रॉइंग्स भी क्या हो जाएगा माइनस यहां रख सॉर्टेड है यस सर अब उसके अलावा और क्या हिसाब किताब बचता है सर एक्सपेंस पेएबल डेढ़ लाख पहले से ही थे कुछ सॉर्टेड है यहां पे डेढ़ लाख पहले से ही थे अच्छा सर एक अस्सी एड होगा कि कि नहीं होगा बताओ जल्दी मेरे को सोचो कमेंट सेक्शन में बताओ ट्रेड पेएबल आपके पंद्रह लाख है उसने आपको उसका दे दिया नया फिगर इलेवन पॉइंट फोर लाख प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है जीरो पॉइंट टू लाख अब मेरे कुछ क्वेश्चन आपसे पेंडिंग है सर प्लांट एंड मशीन वहां आ गया प्लांट एंड मशीनरी सर प्लांट एंड मशीनरी पे फाइव परसेंट का डेप्रिसिएशन है यस इन्होंने डेप्रिसिएशन सॉरी टेन परसेंट का है इन्होंने यहां पे तो माइनस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बट एसेट में से माइनस किया गया नहीं बिकॉज ये ओपनिंग है ओपनिंग से जब आप क्लोजिंग पहुंचोगे तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा तीस लाख का दस परसेंट कितना होता है तीन लाख रुपए तो तीन लाख माइनस होके प्लांट एंड मशीनरी कितना दिखेगा फाइनल सत्तावीस लाख रुपए कितना दिखेगा फाइनल सत्तावीस लाख रुपए नेक्स्ट फर्नीचर फिक्चर्स में कितना है फाइव परसेंट तीन लाख का फाइव परसेंट होता है पंद्रह हजार आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया है बट एसेड में से माइनस नहीं किया है तो तीन लाख ,00 का पांच परसेंट इस पंद्रह हजार तो फर्नीचर पंद्रह हजार माइनस करके टू पॉइंट एट फाइव लैक्स टू पॉइंट एट फाइव लैक्स और क्या है भाई साहब किताब सब प्रोविजन अब कैशअ बैंक आ गया इन्वेंट्रीज आ गया ट्रेड आ गया अब मेरे लिए आपके लिए दो क्वेश्चन है इसका क्या करेंगे क्या ऐसा कैसा लिख देंगे ओपनिंग विल बी क्लोजिंग या इसमें वो एक लाख अस्सी हजार एक्सपेंस पेबल को एड करेंगे या डिरेक्टली एक्सपेंस ऑप्शन नंबर वन ये अलग लिखेंगे और वो अला प्लस वन पॉइंट एट या तो टोटल कितना होगा थ्री पॉइंट थ्री लाख पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन ओनली वन पॉइंट एट लैख ऑन द लाइब्रिटी साइड और मेरा आपसे ट्रेड रिसल में है ये चौदह लाख ,00 में से प्रोविजन माइनस तो करेंगे लेकिन कितना करेंगे चौदह लाख ,00 का बीस परसेंट चौदह लाख का पांच परसेंट कि बीस लाख का पांच परसेंट ये मेरे क्वेश्चन है बेटा जल्दी आप आंसर दो आपके सामने है सर इसमें दो बातें हैं कभी भी हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि नया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका कितना है लाख ये ओपनिंग है हमारा रहेगा ये ड्यूरिंग द ईयर पे हो चुका है और एक नया फिगर खड़ा हुआ है लाख का कभी भी हम जोड़ेंगे नहीं लाइबिलिटी इतनी कैरी ऑफ नहीं होती है बेटा याद है अब दूसरा वेन आई टॉक अबाउट ट्रेड रिसीएबल सोचने आपको बोला है फाइव परसेंट प्रोविजन ऑफ ट्रेड एज ऑन थर्टी मार्च 2020 में 31 थर्टी फर्स्ट मार्च दो को जो फिगर है उसका पांच परसेंट लेस प्रोविजन कितना फाइव परसेंट तो बीस लाख का फाइव परसेंट कितना होता है एक लाख तो यहां कितना हो गया उन्नीस लाख रुपए लेट्स टेक द टोटल नाउ ये हो गया आपका सिक्सटी पॉइंट सेवन लाख कितना हो गया सिक्सटी पॉइंट सेवन लाख कैलकुलेटर ये क्वेश्चन बेटा ध्यान से करना इसमें आधा अधूरा ज्ञान चल रहा है कुछ चीजों का इफेक्ट हो चुका है किस चीजों का इफेक्ट बाकी है सेवेंटी थ्री पॉइंट नाइन लैक्स ऑन द लाइविटी साइड तो सेम एसेट में कितना होना चाहिए सेवेंटी थ्री पॉइंट नाइन लैक्स माइनस टू पॉइंट एट फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस पॉइंट टू माइनस टेन पॉइंट थ्री फाइव 19 14.5 yes, जो हो चुका है देखो मैं वापस बताता हूं आपको रेंट रिसीव इनकम इसका मिल चुका है मतलब कैश में ऐड हो चुका है यस yes, क्योंकि मेरे को कैश का क्या गिवन है क्लोजिंग बैलेंस मतलब कैश में ये ऐड हो चुका है और इनकम में जुड़ चुका है तो इसके दोनों इफेक्ट हो चुके हैं टू इफेक्ट डन बट डेप्रिसिएशन के दोनों नहीं हुए बिकॉज क्या यहां पे प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग गिवन है क्या नहीं मतलब क्लोजिंग लाना है मतलब इसका एडजस्टमेंट बाकी है डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डेबिट तो हो गया बट एसेट में से माइनस हुआ है क्या नहीं प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तो हो गया है क्या एसेट में से माइनस हुआ है ट्रेड रिस्ट से माइनस हुआ है नहीं सर आपको कैसे पता बेटा ये ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है ये ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन का बैलेंस नहीं है जब भी आपको ट्रेड रिसीवेबल बोलेगा तो वो ट्रेड रिसीवेबल का कोर मतलब मेन बैलेंस बताएगा प्रोविजन माइनस करने के बाद का बैलेंस कभी नहीं बताएगा परफेक्ट यस सर चलो नेक्स्ट बेटा फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस अब बेटा ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा ये मैं आपके साथ आप मेरे को बता दो कौन सी चीज कहां जाएगी कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट में सेल जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से साइड क्रेडिट साइड बैलेंस शीट के लाइबिटी साइड कैपिटल परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ओपनिंग इन्वेंट्री ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड फ्रेट इनवर्ट ऑल्सो नोन एज कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल एंड एंड ट्रेड 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 बैलेंस बैलेंस शीट शीट लाइबिलिटी रिटर्न सर रिटर्न यहां दो गिवेन है एक उन्नीस हजार का और एक नौ हजार का अब कौन सा रिटर्न में क्या मानू बेटा देखो सेल्स क्रेडिट रहता है हमेशा तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या रहेगा डेबिट तो ये जो उन्नीस हजार यह डेबिट साइड है तो ये आपका क्या बन गया सेल्स रिटर्न एंड बट ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा आपका परचेस रिटर्न क्योंकि मैंने गलत बता दिया क्या एक सेकेंड सर रिटर्न है बीस हजार और बारह हजार सो सॉरी क्या फर्क पड़ता कंसेप्ट आपको समझ गया ना तो ये बीस हजार क्या है सेल्स रिटर्न तो सेल में से क्या हो जाएगा माइनस और ये बारह हजार क्या है परचेज रिटर्न अब डिस्काउंट डेबिट वाला मतलब खर्चा होता है मतलब डिस्काउंट गिवेन इज नाइनटीन और क्रेडिट मतलब कमाई होता है तो डिस्काउंट रिसीव इज नाइन थाउजेंड तो दोनों एक आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या प्रोविजन है क्या नहीं सर इन्वेस्टमेंट्स ये बैलेंस शीट एसेट्स कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट एसे इन्वेंट्री दो इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बैलेंसर तो डेफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और एसेट में से माइनस ये कमांड होना चाहिए आपके पास कौन सी चीज कहा जा रही है एंड सिट इज दैट सिंपल आप ट्रेडिंग के डेबिट क्रेड से पता कर सकते हो कि कौन सी चीज कहा जाएगी यस सर यस चलो नेक्स्ट क्या करना है इसमें ठीक है ओके चलो ये बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए बेटा पहले अपन फिगर आउट करते हैं कौन सी चीज कहां जाएगी ठीक है जब आपने फिगर आउट कर दिया अपन एडजस्टमेंट में जाएंगे आप मेरे साथ में सॉल्व करोगे ये ठीक है आउट है रजिस्टर पहले फॉर्मेट बनाओगे फॉर्मेट क्या क्या बनाओगे ट्रेडिंग उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आखिर में बैलेंस शीट सर ऐसा बनाते हैं एग्जाम में ऐसा कैसा सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइंड बनता है और बैलेंस शीट अलग से बनती है पहले अपन पूरा डेबिट साइड देखेंगे पहले अपन पूरा डेबिट साइड देखेंगे डेबिट या तो खर्चा या तो एसेट खर्चा होगा तो, तो ट्रेडिंग के डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट चलो कैश इन हैंड सर ये तो एसेट है कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड कैश एट बैंक एसेट है बैलेंस बैलेंस शीट शीट के शीट के एसेट एसेट साइड साइड डेटर्स स्टॉक स्टॉक सर ये ओपनिंग है क्योंकि यहां डेट क्या एक चार दो हजार तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा मेरे साथ में बेटा पॉज करो लिखते जाओ फर्नीचर एंड फिक्सर बैलेंस शीट एसेट ऑफिस इक्विपमेंट बैलेंस शीट एसेट आपको सिर्फ फिगर में डालते जाने हैं सर आगे अगर डेप्रीसिएशन होगा बेटा हाल फिलहाल आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कौन सी चीज कहा जा रही है आगे होगा तो देखेंगे पहले मैं आपको एक जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी चीज कहां जाएगी बिल्डिंग एक एसेट है मोटरकार एक एसेट है संडी क्रिएटर एक लाइबिलिटी है लोन फ्रॉम विश्वनाथ एक लाइबिलिटी है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये होता है डेटर में से माइनस मुझे देखना पड़ेगा क्या पीछे बैड डेट्स वगैरह है क्या फॉर एडजस्टमेंट परचेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड ट्रेडिंग डेबिट और परचेस रिटर्न उसमें से क्या माइनस हो जाएगा परचेज में से परचेज रिटर्न क्या हो जाता है माइनस सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट और सेल्स रिटर्न सेल में से क्या होता है माइनस यहां तक तो सबको सॉर्टेड है मैंने तो बिना फिगर देकर लिख दिया मेरे को आदत हो गई है सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रेंट फॉर गोडाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्योंकि ये परचेज से डायरेक्टली लिंक नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रेट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट की, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड बोलो जल्दी ये आपके लिए कमेंट सेक्शन का आंसर है चलो बताओ कहा जाएगा तब तक दूसरे सोचो मैं आगे बढ़ता हूं चलो दो सेकंड दिया आप पूरा कंप्लीट करो फिर मैं आपके साथ में कंप्लीट करता हूं कौन सी चीज कहां जाएगी टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वो आंसर बहुत फास्ट कर दिए एक और बार चलो लो टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही जाएगा चिल आउट मैन टैक्सेस है ना अब रेट्स एंड टैक्सेस आपको अब देखना पड़ेगा कि आप परचेज से लिंक्ड है या नहीं अगर नहीं है मेरे को तो लग रहा नॉर्मली नहीं है तो कहां से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स आपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कमाई है परचेस से लिंक्ड खर्चा है कैरेज आउटवर्ड इज द सेलिंग एक्सपेंस कैरेज इनवर्ट इज द परचेज एक्सपेंस ये क्या चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ड्रॉइंग से माइनस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड इलेक्ट्रिसिटी सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस प्रीमियम अक्सर ये कौन सा वाला है अगर ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा अगर ये लाइफ होता था तो कैपिटल में से माइनस क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मालक का रहता है वो ड्राइंग ट्रीट की जाती है बट अगर ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हम बिजनेस का मानेंगे तो इन द करंट क्वेश्चन मैं इसको क्या करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सर अगर लिखा जाता लाइफ इंश्योरेंस तो क्या करता था कैपिटल में से माइनस क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस मतलब मालक के जिंदगी का इंश्योरेंस वो क्या कहलाती है ड्रॉइंग्स ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मोटर कार एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड मोटर कार चलाने का पेट्रोल डीजल रिपेयर एंड मेंटेनेंस और कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड परफेक्ट विद दिस यस वन अ नोट ऑफ दिस गाइस जल्दी अ नोट ऑफ दिस फास्ट यहां तक हमको है हमने स्क्रीनशॉट ले लिया परफेक्ट अब 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 एडजस्टमेंट पढ़ो एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त दिमाग में स्ट्रेस मत लो कि कितने एडजस्टमेंट है बस पढ़ो और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट रहते हैं मैंने आपको समझा दिया है यस yes, सर तो वही इफेक्ट आपको ध्यान रखने हैं ठीक है राजा बिल्कुल सर पहला डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस बाय फाइव पर्सेंट का क्या रहता है डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रहता है देखो ऐसा आपको समझ है। में आना अच्छी एंड बैलेंस शीट में एसिड में से क्या कर देंगे माइनस अब हो गया अमाउंट कैलकुलेट करना बात की बात है बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस परसेंट फर्नीचर फिक्स बाई टेन परसेंट वन स्टील टेबल परचेस्ड ये अपन बाद में देखेंगे दो मिनट ठीक है इसमें एक्चुअली सेल और सेल रिटर्न में कुछ एरर्स हुए हैं वो अपन आगे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक सर ये सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड परफेक्ट यस टू मंथ्स रेंट ऑफ गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग सर रेंट आउटस्टैंडिंग है मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है क्या करेंगे एक्सपेंस में एड तो दैट इज रेंट में एड करेंगे दैट इज रेंट का जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यस तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एक्सपेंस में एड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड याद है सॉरी सबको यस सर इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन विश्वनाथ उस पर ब्याज देना है बारह परसेंट और दिस लोन वॉज टेकन ऑन वन मे टू थाउजेंड नाइनटीन आपने लोन लिया है और वो लोन का इंटरेस्ट है क्या आपने इसकी अकाउंटिंग की है नहीं तो क्या ये लोन का ब्याज देना बाकी है यस सर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग खर्चा है इंटरेस्ट ऑन लोन कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड एक्सपेंस में एड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड प्रोविजन फॉर बैड है सब प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड प्रोविजन का अमाउंट लिख दो और डेटर में इसे माइनस करके डिस्क्लोज कर दो डेटर में इसे माइनस करके डिस्क्लोज कर दो यस yes. इंश्योरेंस प्रीमियम फोर्टी थाउजेंड पेड टूवर्ड्स प्रोफराइटर लाइफ एंड द बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस अरे बहुत बढ़िया ये अच्छा क्वेश्चन है चलो स्टार्ट करते हैं सर कैसे स्टार्ट करेंगे कुछ नहीं बेटा सबसे पहले आपने फॉर्मेट बना लिया येस अब मेरे को समझ में आ गया देखो राजा यहां सेल्स अकाउंट से लिंक कुछ एडजस्टमेंट है यहां परचेस अकाउंट से लिंक कुछ एडजस्टमेंट है परफेक्ट मैंने पढ़ लिया है पहले ही मेरे को पता है क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ना आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा सेल्स अकाउंट से लिंक कुछ एडजस्टमेंट है परचेज अकाउंट से लिंक कुछ एडजस्टमेंट है तो इन अकाउंट्स को छोड़ देंगे बाकी मैं फिल इन करूंगा थैंक यू नहीं रुको शांति रखो पहले क्या बनाएंगे हम मैं अलग अलग बना देता हूं मेरे को स्पेस चाहिए आप एक ही पेज पे बनाओगे ट्रेडिंग अकाउंट बेटा आपके सामने मॉड्यूल होना चाहिए आईसीए का क्योंकि मैं इतना बड़ा क्वेश्चन बार बार पीछे नहीं पलटाऊंगा बहुत गंदा है ना बहुत गंदी लाइन बनाया हो सर तो शेप से हम अपने पास शेप से बना देते हैं क्या बात है आड़ी तिरछी आई क्या भाई कुछ तो भी आया आड़ी तिरछी आई क्या नहीं सीधी आई है सीधी वापस से अब सीधी डंडी ऐसी ठीक है ये आपका क्या हो गया ट्रेडिंग अकाउंट नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वापस डंडिया हो जाओ भाई फटफट -फट. ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट समथिंग इज बेटर देन नथिंग सर आपसे तो अच्छी बन रही है पहले आप हाथ बना से बनाते थे आपसे तो अच्छी बन रही अब जिनमें एडजस्टमेंट है वो चीजें छोड़ के बाकी आप फिलिंग करो देखो आपका काम है आप स्टेप मार्किंग उठाना आपका काम क्या है अब स्टेप मार्किंग उठाना सबसे पहले मैं बेटा क्वेश्चन इससे आ जाता हूं क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे देखना पॉसिबल नहीं है बार बार पीछे तो बना जाते इसी पे सर पहला है कैश इन हैंड इलेस्ट्रेशन नंबर ट्वेल्व है ये पहला है कैश इन हैंड चौदह हजार रुपए तो कैश इन हैंड कहा जाता है बैलेंस शीट में एक एक करके चलते नहीं तो मैं होती है गड़बड़िया कैश इन हैंड कितना है वो चौदह हजार रुपए कितना है चौदह हजार रुपए नेक्स्ट कैश इन हैंड के बाद कैश एट बैंक उसी के नीचे कैश एंड बैंक कितना है छब्बीस हजार रुपए नेक्स्ट sundry डेटर्स इसके लिए प्रोविजन है प्रोविजन yes और कुछ हिसाब किताब चल रहा है तो संडरी डेटर्स में से प्रोविजन क्या हो जाता है माइनस लेस प्रोविजन हम बाद में करेंगे अभी हमको पता है प्रोविजन है तो संडरी डेटर्स कितना है आठ लाख साठ हजार रुपए तो हम इनर कॉलम में आठ लाख साठ हजार लिख देंगे बाकी बातें हम बाद में करेंगे उसके बाद है स्टॉक एक अप्रैल दो स्टॉक का चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू तो ओपनिंग स्टॉक बेटा अपने सामने रखो आई नॉट हेल्प इट एनपीओ में मेरे को इतनी दिक्कत जा रही थी पीछे पलटने में बाप रे। स्टॉक है आपका छह लाख बीस हजार आप किसी की बुक उठाओ या ये क्वेश्चन आप अपने मम्मी या पापा के मोबाइल में लिख लो सॉरी पीडीएफ खोल लो कैसे भी करो बट बेटा करना पड़ेगा स्टॉक के बाद आपका फर्नीचर एंड फिक्सर सर वो एक एसेट है सब फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है बिल्कुल राजा फर्नीचर एंड फिक्सर कितना है सब फर्नीचर एंड फिक्सर है दो लाख चौदह हजार रुपये दो लाख चौदह हजार रुपये यस चल आगे बढ़ते हैं। मोटर कार। उसी के नीचे लिख देते हैं मोटर कार। सर स्पेश क्यों छोड़ा डेप्रीसिएशन वगैरह आने वाला है बेटा फर्नीचर दो लाख चौदह हजार ऑफिस इक्विपमेंट भी है ऑफिस इक्विपमेंट कितना है एक लाख साठ हजार बिल्डिंग है आपका बिल्डिंग है आपके पास छह लाख रुपए बिल्डिंग है Building आपके पास छह लाख रुपए और मोटर कार है आपके पास दो लाख रुपए हो कोई दिक्कत नहीं है बैलेंस शीट तो अपनी भरते आ रही है यस सर यस अब आपके पास संड्रिक राइटर्स है चार लाख तीस हजार के तो यहां पे आपका कैपिटल आ जाएगा उसमें से ड्रॉइंग्स लेस हो जाएगी या तो प्रॉफिट या तो लॉस अब यहां पे मैं लिख देता हूं क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने चार लाख तीस हजार आपके क्या है क्रेडिटर्स उसके अलावा लोन फ्रॉम विश्वनाथ तीन लाख रुपए लोन फ्रॉम विश्वनाथ तीन लाख रुपए इसका कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट का है तो हाल इसको कॉलम में लिख मैं। उसके प्रोविजन, प्रोविजन कितना है तीस हजार रुपए प्रोविजन कितना है तीस हजार क्योंकि नीचे मेरे को ध्यान आ रहा है कि एडजस्टमेंट है परचेस परचेस कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस कहां जाएगा ट्रेडिंग टू परचेस परचेज कितना है आपका चौदह लाख रुपए लेस परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न कितना है आपका ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड सर इसको फाइनल कर दो नहीं बेटा उधर कुछ पीछे एडजस्टमेंट्स गिवन है इसमें सेल्स तेईस लाख रुपए आप जब क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं ना तब आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आता है कि कौन सी चीज कहां पे और किसमें एडजस्टमेंट है तेईस लाख रुपए लेस सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न कितना है आपका फोर्टी टू थाउजेंड सेल्स रिटर्न के बाद सैलरी कहाँ जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू सैलरी मेरे को एक बार पीछे पढ़ने दो सैलरी में कुछ एडजस्टमेंट है क्या नीचे गोडाउन रेंट वैल्यू इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं सैलरी में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सैलरी आई कैन राइट पूरा का पूरा फिगर बाहर आउटर कॉलम में एक लाख दस हजार सैलरी के बाद रेंट ऑफ गोडाउन यहां पे एक एडजस्टमेंट है गोडाउन रेंट में रेंट ऑफ गोडाउन प्रॉफिट ए चालू करने तो गर्मी हो रही है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ इंटरेस्ट एक खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे इनर कॉलम में क्यों लिखा बिकॉज विश्वनाथ ने कुछ एडजस्टमेंट है रेंट ऑफ गोडाउन कितना है पचपन हजार रुपए कितना है पचपन हजार रुपए फिफ्टी फाइव थाउजेंड नेक्स्ट रेट्स एंड टैक्सेस सीधा सीधा आप डाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेट्स एंड टैक्सेस कितना है रेट्स एंड टैक्सेस ट्वेंटी वन थाउजेंड आउटर कॉलम में इसमें क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है उसके बाद डिस्काउंट अलाउड टू क्रेडिटर्स अलाउड मतलब मैंने दिया है तो टू डिस्काउंट अलाउड कितना डिस्काउंट अलाउड ट्वेंटी फोर थाउजेंड एंड बाय डिस्काउंट रिसीव कितना डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिटर से सोलह हजार रुपए नेक्स्ट प्रेट ऑन परचेस कहां जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू प्रेट ऑन परचेस क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट है क्या नहीं सर जो एडजस्टमेंट में नहीं है उसको डायरेक्ट कॉलम में बाहर लिख सकते हो बारह हजार रुपए नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड रहता है तो ट्रेडिंग अकाउंट कैरेज आउटवर्ड रहता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरेज आउटवर्ड कितना है बीस हजार रुपए नेक्स्ट ड्रॉइंग्स क्या होता है कैपिटल में से माइनस ड्रॉइंग्स कितनी है आपकी एक लाख बीस हजार रुपये नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अठारह हजार रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है आपके बावीस हजार रुपए नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम सर इंश्योरेंस प्रीमियम में कुछ एडजस्टमेंट है तो हम इंश्योरेंस प्रीमियम को हाल फिलहाल इस तरफ ही रखते हैं ठीक है इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिख रहा है पचपन हजार रुपए फिफ्टी फाइव थाउजेंड इंश्योरेंस भी ना फिफ्टी फाइव इनर कॉलम में लिखा हुआ बेटा उसके अलावा जनरल ऑफिस एक्सपेंसिस टू सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं जनरल ऑफिस एक्सपेंसिस तीस हजार रुपए सर यहाँ पे बैट डेट कि बेटा वो बैड डेट्स अलग है ऊपर जो प्रोविजन अलग है जो हम करते हैं वो एडजस्टमेंट वाला है यहाँ पे बैड डेट्स गिवन है सीधा सीधा कहां लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके बाद और ऊपर नीचे कुछ हुआ तो देखेंगे बैड डेट्स कितना है आपका सोलह हजार रुपए बैंक सॉरी बैड डेट डेट्स कितना है बीस हजार बैंक चार्जेस सोलह बैड डेट्स बीस हजार तो बैंक चार्जेस पेस की कमी पड़ गई है भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है और अगर मैं ऊपर नीचे घूमता था मैं ही घूम जाता था सोलह हजार रुपए उसके अलावा मोटर कार एक्सपेंसेस चलो ये भी लिख देते हैं बाद में देख लेंगे इंश्योरेंस का टू मोटर कार एक्सपेंसेस कितना है मोटर कार एक्सपेंसेस थर्टी सिक्स थाउजेंड और कैपिटल है आपका सोलह लाख बीस हजार कैपिटल कितना है आपका सोलह लाख बीस हजार पूरा हिसाब किताब हो गया आपका अब आप एडजस्टमेंट चलते हैं सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर टू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ स्टॉक एट क्लोज ऑफ द ईयर वॉज फोर लैक फोर्टी थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक का क्या हिसाब किताब है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है फोर लैक फोर्टी थाउजेंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड यू कैन राइट इट एज जस्ट स्टॉक फोर लैख फोर्टी थाउजेंड नेक्स्ट टू मंथस रेंट इटिल आउटस्टैंडिंग सर दो महीने का रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है मतलब आपने पे नहीं किया है तो कहना है? है ये रेंट दस महीनों का है क्या मैं बोल सकता हूं ये रेंट दस महीनों का है बिल्कुल सर आप बोल सकते हैं अगर रेंट पर मंथ की बात करूं तो पचपन हजार कहना है से दो महीने दो महीने दस महीने का है Yes, बिकॉज अभी भी दो महीने का बाकी है तो पर मंथ का रेंट हो गया पचपन तो रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर टू मंथ्स कितना है पचपन सौ इंटू टू दैट इज ग्यारह हजार रुपए दैट इज ग्यारह हजार रुपए तो ग्यारह हजार का क्या करेंगे सर ग्यारह हजार का सिंपल है रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एक्सपेंस में एड अब रेंट का है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एड और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड प्लस आउटस्टैंडिंग ग्यारह हजार टोटल हो गया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड टोटल हो गया सिक्सटी सिक्स थाउजेंड यहां सबको क्लियर है यस इंटरेस्ट ऑन लोन टू विश्वनाथ इज पेबल एट द रेट ट्वेल्व परसेंट द लोन वॉज टेकन ऑन वन मे टू थाउजेंड नाइनटीन अब अगर मैं विश्वनाथ की बात करूं विश्वनाथ से लोन कब लिया था वन मे टू थाउजेंड नाइनटीन यर एंड कब हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च दो हजार बीस कितने मैंने यूज किया मनी यूज या मनी बोरो लिख सकते हो ग्यारह महीने कितने महीने ग्यारह महीने करंट ईयर में ग्यारह महीने करंट ईयर में तो ब्याज निकालते हैं तीन लाख इंटू ट्वेल्व परसेंट एंड इंटू इलेवन बाय ट्वेल्व कटम कुट्टी का समय आते हुए बारह बारह कट जीरो 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 जीरो, जीरो तो ये कितना हो गया

ट्वेंटी सेवन दिख रहा yes. But actual है यस बट एक्चुअल खर्चा कितना है थर्टी थ्री थाउजेंड बट एक्चुअल खर्चा कितना है थर्टी थ्री थाउजेंड तो कहना बाकी का है यस तो प्लस आउटस्टैंडिंग छह हजार रुपए सर आउटस्टैंडिंग क्या हिसाब किताब है एक्सपेंस में एड एंड बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड तो ये हो गया प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट छह हजार रुपये ये हो गया तीन लाख छ हजार रुपए और दूसरा आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है ग्यारह हजार रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है ग्यारह लेट्स मूव फॉर दर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज टू मेंटेन एट मेंसेंट ऑफ सनरी डेटर्स अब आपके डेटर्स कितने आठ लाख साठ हजार सर, डेटर्स है प्रोविजन का बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना बनाना है आठ लाख साठ हजार का पांच परसेंट दस परसेंट होगा एटी सिक्स थाउजेंड पांच परसेंट होगा फोर्टी थ्री थाउजेंड पांच परसेंट कितना होगा फोर्टी थ्री थाउजेंड अब फोर्टी थ्री थाउजेंड का प्रोविजन होना चाहिए ऑलरेडी कितना है तीस है कितना होना चाहिए फोर्टी थ्री तो मेरे को बाद बताओ आपका न्यू प्रोविजन कितना है सर न्यू प्रोविजन है फोर्टी थ्री थाउजेंड का और कितने से बढ़ा है बेटा सर तेरह हजार से बढ़ा है से जब प्रोविजन बढ़ता है या बनाते हैं एंट्री एक ही रहती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन तो राजा फोर्टी थ्री डेबिट करना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने कितना डेबिट किया तीस तो तेरह हजार और डेबिट कर दो तो प्रोविजन आपका यहां लिख देंगे मैं लिख देता हूं टू प्रोविजन थोड़ा स्पेस बनाते हुए फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टोटल कितना फोर्टी थ्री तीस हजार ऑलरेडी जा चुका है तीस हजार ऑलरेडी जा चुका है तो तेरह हजार और बढ़ाना है तो बढ़ाना है तो यहां पे डेबिट और डेटर में से प्रोविजन मैंने लिख दिया है अब फोर्टी थ्री परफेक्ट यस सर इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं उसके लिए एक नई शीट लगेगी मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है सर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है फिफ्टी फाइव थाउजेंड ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है फिफ्टी फाइव थाउजेंड येस अब नीचे आपको बोल रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड फोर्टी थाउजेंड पेड टूवर्ड्स लाइफ तो कहना है लाइफ इंश्योरेंस कितने का है फोर्टी थाउजेंड का तो कहना है ड्राइंग्स हो जाएगी यस yes. तो क्या वो धंधे का खर्चा है क्या नहीं क्या वो धंधे का खर्चा है क्या नहीं अभी कितना बचा धंधे खर्चे का सर अब बचा पंद्रह हजार रुपए अब बचा पंद्रह अब आगे उसने लाइन दिया आपको एंड द बैलेंस जो कितना है फिफ्टीन द इंश्योरेंस चार्जेस कवर द पीरियड फ्रॉम एक अप्रैल टू अब ये जो पंद्रह हजार है ये कितने समय के लिए दिया है आपने एक अप्रैल उन्नीस से थर्टी जून दो हजार बीस बट मेरा ईयर एंड कब होता है थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 तो कहना है इससे मैंने इस साल में अगले साल का भी एडवांस दे दिया है यस yes, कितने एडवांस दिया अप्रैल मई जून मतलब कितने महीने का एडवांस दिया है मैंने तीन महीनों का और बारह महीनों का नॉर्मल रहता ही है तो कहना है इससे ये पंद्रह हजार आपने पंद्रह महीनों के लिए दिया है बट इसमें से तीन महीना तो एडवांस है यस yes. तो एडवांस क्या इस साल का खर्चा है क्या नहीं सर एडवांस का क्या रहता है एक्सपेंस में से माइनस और बैलेंस शीट के एसेट साइड एडवांस प्रीमियम कितना है तीन हजार तो करंट ईयर का आपका एक्सपेंस कितना है करंट तो ईयर का एक्सपेंस है बारह हजार रुपए करंट ईयर का एक्सपेंस है बारह हजार चलो पुट इन कर देते फिगर्स इंश्योरेंस प्रीमियम करंट एरा कितना है बारह हजार रुपए उसके अलावा सर बैलेंस शीट में जाते हैं लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है चालीस हजार रुपए और तीन हजार रुपए एडवांस है तो बैलेंस शीट के एसेड साइड प्रीपेड इंश्योरेंस तीन हजार रुपए यस यस सर अब यहाँ तक आपका निपटा पॉइंट नंबर वन में आते हैं डेप्रीशिएट बिल्डिंग फॉर बिजनेस बाय फाइव परसेंट सर बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है चलो अब डेप्रीशिएशन की बातें करते हैं पहले फर्स्ट डेप्रिशिएट बिल्डिंग कितने परसेंट से फाइव परसेंट से कितने परसेंट से फाइव परसेंट से बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है परफेक्ट बिल्डिंग दिख तरह है सर तर, बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग दिख रहा है लाख तो लाख का कितना होता है है सर का क्या हिसाब किताब एक काम करो मैंने में स्पेस भी नहीं छोड़ा है इसको ऊपर कर दे थोड़ा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो गायब गायबी हो जाएगा कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन मैं यहां टोटल फिगर लिख दूंगा ठीक है अब कितना है सर पहला हिसाब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड और एसेट में से माइनस तो आपका एसेट का कितना वैल्यू बचा पांच लाख सत्तर हजार रुपया तो कितना वैल्यू बचा पांच लाख सत्तर नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिक्सर्स को क्या करना है टेन परसेंट फर्नीचर एंड फिक्स पे कितना लगाना है टेन परसेंट अब उसने आपको एक डेटा दिया है वन स्टील टेबल परचेज ऑन फोर्टीन परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर फोर्टीन थाउजेंड आपने स्टील टेबल परचेज किया था आपने एक स्टील टेबल परचेज किया था 14,000. हजार वॉज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस बट द सेल्स प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल आपने एक स्टील टेबल परचेज किया था यस yes, अब ईयर एंड के पहले आपने स्टील टेबल बेच दिया बट आप क्या किए वो स्टील टेबल का सेल यहां से माइनस करना चाहिए था क्योंकि परचेज यहीं पे ऐड किया था तो सेल भी यहीं से माइनस करना चाहिए था बट आपने क्या किया आपने स्टील टेबल का सेल कहां लिख दिया है सेल्स अकाउंट के अंदर तो सेल्स हटा भाई साहब वहां से आपका रॉन्ग सेल है वहां पे यहां से हटाओ भाई साहब लेस स्टील टेबल यहां से हटाया बिल्कुल आपने सेल कम किया आप गलती क्या हो गई आपका फर्नीचर का बैलेंस कितना दिख रहा है फर्नीचर 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 दो लाख चौदह हजार फर्नीचर कितना दिख रहा है दो लाख चौदह हजार क्या इसमें स्टील टेबल ऐड हो चुकी है येस बट क्या स्टील टेबल माइनस हुई है क्या नहीं वो माइनस गलती से कहा हो गई थी सेल्स में से तो वहां से सेल्स हटा दिया और जहां से माइनस करना चाहिए था तो वहां से माइनस कर रहा हूं सेल ऑफ स्टील टेबल सेल में ऐड कर दिया था तो वहां से हटा दिया गलती कहां हुई थी सेल्स में ऐड कर दिया तो वहां से हटा दिया अब जहां से माइनस करना था वहां से माइनस कर रहा हूं चौदह हजार रुपए नेक्स्ट और क्या बोलते हैं आगे वो ठीक है ये तो खत्म हो गया तो अब आपका कितना बचा दो लाख रुपए अब इसका टेन परसेंट होता है ट्वेंटी थाउजेंड तो तीस हजार प्लस बीस हजार ठीक है तो अब बीस हजार कहां से माइनस कर दूंगा फर्नीचर में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एसेट में से माइनस लेस शन और प्लस करेक्शंस एंड लेस स्टील टेबल का सेल डेप्रीसिएशन बीस हजार है और स्टील टेबल का चौदह हजार का रेक्टिफिकेशन है टोटल मिला कितना माइनस हो जाएगा थर्टी फोर दैट इज ये हो जाएगा आपका वन लाख एट्टी थाउजेंड परफेक्ट यस सर चलो अब आगे बढ़ते हैं ऑफिस इक्विपमेंट बाय फिफ्टीन परसेंट अब ऑफिस इक्विपमेंट में कितना डेप्रिसिएशन लगाना है सर ऑफिस इक्विपमेंट में लगाना है पंद्रह परसेंट एप्रिसिएशन बैलेंस गिवन। बैलेंस इन ट्रायल बैलेंस कितना ऑफिस इक्विपमेंट का बैलेंस निकाल लेते बेटा ऑफिस इक्विपमेंट है एक लाख साठ हजार रुपये कितना है एक लाख साठ हजार रुपये चलो परचेज ऑफ अ टाइप राइटर ड्यूरिंग द इयर फॉर फो फोर्टी थाउजेंड था। वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट अब हुआ क्या आपने एक टाइप राइटर खरीदा आपने वो टाइप राइटर को परचेज मान के कहां ऐड कर दिया परचेज अकाउंट के अंदर जबकि वो एक एसेट है क्या यहां पे ऐड होना चाहिए क्या नहीं तो यहां से टाइप राइटर कर दो माइनस कितने का टाइप राइटर चालीस हजार का यहां से माइनस कर दिया और माइनस क्यों क्योंकि यहां पे ऐड हो गया तो यहां से हटा दिया और जहां पे ऐड होना चाहिए वहां पे जाके क्या कर दूंगा एड प्लस टाइप राइटर टाइपराइटर कितने का है चालीस हजार रुपए का आगे बढ़ते हैं सर अब मुझे एक बात बताओ अब इस टाइप राइटर पे डेप्रिसिएशन कितने समय का आएगा साल भर का आएगा कि छह महीने का आएगा कि क्या करेंगे सर हमारे पास डेटा तो गिवन नहीं है आप अजम्पन ले सकते हो अजम्पन मी रीड वो कुछ ऐसा बोल रहा है क्या सर तो टाइप का तो है नहीं ऐसा ड्यूरिंग द ईयर बोल रहा है आप एजम्पन ले सकते हो कि हम छह महीने का ले रहे हैं आप एजम्पन ले सकते हो हम साल भर का लेते हैं बट आईसीए ऐसे चीजों में नॉर्मली साल भर का अज्यूम करता है तो आपका टोटल कितना हो चुका है आपका टोटल हो चुका है यहां पे दो लाख रुपए टोटल हो चुका है दो लाख रुपए लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट फिफ्टीन परसेंट तो डेप्रिसिएश कितना हो गया इसका हो गया तीस हजार रुपये कितना बचा एक लाख सत्तर हजार रुपये कितना बचा एक लाख सत्तर हजार रुपये डेप्रीसिएशन में क्या हिसाब किताब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड एसिड में से माइनस एड माइनस डेप्रीसिएशन एड चालीस हजार और माइनस डेप्रिसिएशन तीस हजार कितना हो गया एक लाख सत्तर हजार रुपए कितना हो गया एक लाख सत्तर हजार रुपए और मोटर कार पे कितना लगाना है बीस परसेंट तो लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट ट्वेंटी परसेंट बीस दो लाख का ट्वेंटी परसेंट होता है चालीस हजार तो ये हो गया एक लाख साठ हजार परफेक्ट अब डेप्रिसिएशन का टोटल लेते हैं यहां पर तीस है तीस और तीस साठ साठ और चालीस एक लाख एक लाख प्लस बीस एक लाख बीस हजार तीन चार चार जगह है बीस हजार और चालीस साठ साठ और साठ एक बीस तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया आपका एक लाख बीस हजार इन टोटल याद है सब क्लियर है यस अब क्या बचता है सर अब कुछ नहीं फाइनलाइजेशन करते हैं चलो चौदह लाख अब यहां पे कैल्सी की जरूरत है मेरे को हो गया पूरा हिसाब किताब हो गया इनका बड़ा क्वेश्चन था लग गया मैं बोर्ड पे पढ़ाना अलग ही समस्या है जिंदगी में बट इसी में मजा आता बताए क्या आप कुछ भी बोलो आई पे पढ़ाना वर्सेस आईपैड पे पढ़ाना जब मैं ऐसा खड़ा के पोडियम पे पढ़ा रहा हूं वर्सेस बोर्ड पे पढ़ाना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए बोर्ड के थ्रू ही जाती है चौदह लाख माइनस छब्बीस हजार लाख माइनस फोर्टीन माइनस फोर्टीन लाख माइनस ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड एंड माइनस फोर्टी थाउजेंड थर्टीन लाख थर्टी फोर थाउजेंड कितना हो गया थर्टीन लाख थर्टी फोर थाउजेंड चलो अब इधर का देखते हैं हिसाब किताब तेईस लाख माइनस फोर्टी टू थाउजेंड एंड माइनस फोर्टीन थाउजेंड हो गया ट्वेंटी टू लाख फोर्टी फोर थाउजेंड यहां तक सबको यस चलो आप टोटल लेते हैं तेरह और छाइडिट साइडा ट्वेंटी टू फोर्टी फोर प्लस फोर लाख फोर्टी थाउजेंड ये हो गया ट्वेंटी सिक्स लाख एट्टी फोर थाउजेंड क्रेडिट साइड का वही फिगर है तो डेबिट साइड में आपका वही रहेगा ट्वेंटी सिक्स लाख एट्टी फोर थाउजेंड ऑलरेडी कितना है लेट्स चेक इट ऑलरेडी कितना है नाइनटीन पॉइंट सिक्सटी सिक्स थाउजेंड नाइनटीन पॉइंट सिक्स सिक्स लैख लैख सिक्सटी सिक्स थाउजेंड तो आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कितना है सेवन लैक एटीन थाउजेंड कितना है सेवन लैक एटीन थाउजेंड बाद में एक बार टोटल रीचेक करूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन सेवन लैक एटीन थाउजेंड यस यस सर अब यहां कर लेते हैं सेवन पॉइंट वन एट प्लस सिक्सटीन हो गया सेवन लाख थर्टी फोर थाउजेंड ऑन द क्रेडिट साइड डेबिट साइड में उत्तर रहना चाहिए ऑलरेडी कितना लेट चेक एक लाख दस हजार माइनस कर देते हैं माइनस सिक्सटी सिक्स थाउजेंड माइनस थर्टी थ्री थाउजेंड माइनस ट्वेंटी वन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर माइनस थर्टीन माइनस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस एटीन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी टू थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड माइनस थर्टी सिक्स थाउजेंड माइनस थर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्सटीन थाउजेंड एंड माइनस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड तो आपका टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल कितना है वन लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड कितना है वन लाख सेवेंटी थाउजेंड मेरे पास स्पेश नहीं है इसलिए मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि यहां पे वो आता है तो मेरे को उस तरह लिखना पड़ा वन लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड ये क्या हो जाएगा यहां पे एड एड प्रॉफिट वन लाख सेवेंटी थ्री थाउजेंड चलो क्या बिल्कुल एड कर लेते हैं सोलह लाख बीस हजार माइनस एक लाख बीस हजार की ड्रॉइंग्स और चालीस हजार की लाइफ पॉलिसी ये हो गया सिक्सटीन लाख थर्टी थ्री थाउजेंड ठीक है ऐड करते हैं फोर लाख थर्टी थाउजेंड प्लस तीन लाख छः हजार एंड प्लस ग्यारह हजार ये हो गया ट्वेंटी थ्री लाख एट्टी थाउजेंड यहां पर भी, भी कितना होना चाहिए ट्वेंटी थ्री लाख एट्टी थाउजेंड माइनस थ्री थाउजेंड करते हैं पहले माइनस फोर लाख फोर्टी थाउजेंड माइनस फाइव लाख सेवेंटी थाउजेंड माइनस सेवेंटीन लाख सॉरी वन सेवेंटी माइनस वन सिक्सटी माइनस वन एट्टी माइनस फोर्टीन थाउजेंड माइनस ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और इसका कितना हिसाब किताब है अभी कितना बच रहा है आठ लाख सत्रह हजार अगर ये आठ लाख सत्रह हजार आया तो अपना हिसाब किताब खत्म और ये कितना है आठ लाख सत्रह हजार रुपए आपकी बैलेंस शीट टैली होती है सिक्सटी में तो फोर्टी थ्री गया सेवनटीन माइनस एट लैक सेवनटीन थाउजेंड ठीक है राजा एंड दिस इज द वे यू अप्रोच फॉर दाइनल अकाउंट और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं क्योंकि लेक्चर समवेयर अराउंड आपका दो प्लस एक डेट साढ़े तीन घंटे के आसपास हो गए तो अभी मैंने किसका कंप्लीट किया है मैन्युफैक्चरिंग की नॉन मैन्युफैक्चरिंग सर नॉन मैन्युफैक्चरिंग अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का पार्ट टू विल बी रिलीज टू मोरो एंड पार्ट टू हार्डली हाफ एन आवर या मैक्सिमम वन आवर का रहेगा बट ये साढ़े तीन घंटे पहले ही बहुत ज्यादा हो गया तो मैं यहां पे एंड कर रहा हूं आज का सेशन एंड पार्ट टू विल बी लोडेड टुमारो अब सर ये लेक्चर आप देखोगे और इसके बाद आप एनपीओ वापस करोगे आपको एकदम मक्खन समान लगेगा एनपीओ क्योंकि आपके एनपीओ की डिमांड पहले थी इसलिए मैंने एनपीओ पहले रिलीज किया बट टेक्निकली एनपीओ फाइनल अकाउंट नॉन मैन्युफैक्चरिंग के बाद रिलीज करना चाहिए और सबसे आखिर में क्या रिलीज होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज दिसभ रोरा साइन अरे आना भाई जल्दी आना ये yes, आ गया This is T. Rishabh Rana signing off. See ya, bye take care. Say no to... Yes!